ये 10 लाख है, काउंट कर लीजिए। पेन प्लीज। हाँ, थैंक यू। वैन आ गई। बोल रघु, रास्ता साफ है। ओके। नीचे बैठ। डाउन डाउन, मोबाइल बाहर निकालो, जल्दी जल्दी करो। देखो बोला था ना मोबाइल नीचे रखने को। तो पुलिस स्टेशन को तेरे को अलग से बोलना पड़ेगा क्या? शाना बता है। हे, नीचे बैठ, नीचे बैठ। जल्दी कर। जल्दी जल्दी चल चल, जल्दी कर, चल ए चल चल, निकल 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 निकल। सिग्नल तोड़ के कहाँ जा रहा? मास्क पहन लो, वो हमारी फोटो खींच रहा है, उड़ा दो उसको। गाड़ी घुमा जल्दी। जा रहा है, अरे कोई पकड़ो इसे।
चोरी करके भागता है हाँ? अरे जल्दी आओ जल्दी आओ, इसकी शर्म नहीं आती, इतना खट्टा होकर चोरी करता है, पुलिस को बुलाओ, जल्दी पुलिस को बुलाओ, ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। हटो, पकड़े रखो, जाने मत देना। फोटोग्राफर हूँ, प्रेस से, प्रेस में काम करता हूँ, प्लीज जाने दो। तू भाग क्यों रहा? प्रेस से हूँ, बाहर वाला है। क्या कर रहे हो तुम लोगों की वजह से मेरा कैमरा भी चला गया। सर मैं पहुंच गया हूँ। ए चलो हटो हटो, छोड़ो यहाँ से। चलो चोर लगता हूँ क्या मैं? फोकट में हाथ साफ कर रहे हो। सर मैं प्रेस से हूँ, पास के बैंक में चोरी हुई। ये इन्फॉर्मेशन तो हमको अभी मिली है, आजकल प्रेस पुलिस से पहले ही पहुंच जाती है क्या? ए कांस्टेबल इसकी पट्टी करवा दो, गाड़ी निकालो, बैंक जाना है। सर कोई फायदा नहीं है, वो तो बैंक लूट के निकल लिए, अब वहां जाके क्या करोगे? इस मेमोरी कार्ड में उनकी फोटोज है। काफी तगड़ी प्लानिंग लगती है। यह मुथु है जिसने दूरदर्शन ऑफिस के बाहर बॉम्ब रखा था, यह माधव सिंह, हाल ही में हुए रेलवे टेक ब्लास्ट को इसी ने अंजाम दिया था, यह कोई नया लड़का लगता है। ये नदीम काजी है जिसने एसटी बस स्टैंड में बस में बॉम्ब रखा था। यार इस बंदे की मैं ठीक से फोटो नहीं ले पाया, मुझे लगता है कि यही उनका गैंग लीडर है। तुम शायद नहीं जानते लेकिन सारे के सारे नक्सलवादी हैं। ओके सर मैं ये सारी फोटोज अभी के अभी पुलिस हेडक्वार्टर्स ईमेल कर देता हूं। ओके थैंक यू। अरे अश्विन तू तो छा गया रे, अरे थोड़ा चेहरा तो दिखा। अरे हाँ, शूट करूंगा ना। अरे कर रहा है, मुझे ड्रेसिंग करना है। भाई ये क्या क्या कर रहे हो? मुझे ड्रेसिंग करना है। सिस्टर एक मिनट रुकना। पुलिस ने बैंक लूटने वाले सारे लोगों की पहचान कर ली है, हालांकि गौरतलब है कि उनके नकाबपोश लीडर का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। डेली डॉन के फोटोग्राफर अश्विन रे ने उन लोगों अश्विन कांग्रेस को थैंक यू जिससे उन्हें इस बड़ी फोटोग्राफर व्हाट्स गोइंग ऑन मैन हे नथिंग मैन आई एम फाइन दिया है और पुलिस कमिश्नर ने सारे लूटे हुए ग्रेट जॉब अश्विन थैंक्स थैंक्स गुड थैंक यू। ओ जीरो अंदर आ। सर क्या फोटो खींचता है तू, नेट से सीखा है क्या? सारी फोटो ब्लर थी, अगर अच्छे से लाइट लगाता फ्रेम बनाता तो एक से एक फोटो आती। अगली बैंक रॉबरी में सुबह से ही लाइट लगा के बैठ जाऊंगा सर। मेरी फिरकी ले रहा है क्या? अरे सर गुरु का मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ सर, सॉरी सर, थैंक यू सर। दिस इज योर सीट। माय डैड्स वर्किंग एज एन ऑडिटर इन दुबई, डैड मॉम को भी साथ ले गए, मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ शिफ्ट हो सकती हो। हे क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें घर में जगह दी है, दिल में नहीं, अब खड़ी हो जाओ। थैंक्स थैंक्स। हे क्या हालत बना रखी है स्वीटी, चाहे तुम्हारा हाथ टूटे या पैर, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी। चुप चुप कले। सुना एक लड़की ने तुम्हारी जमकर पिटाई की, काश मैं भी वहाँ होती। hey, ये तुम्हें किसने बताया? जेम्स बॉन्ड को मैंने ही ट्रेनिंग दी है। अश्विन कम इन। हाय क्रिश, फ्रैक्चर तो नहीं हुआ ना? नो जस्ट अ मसल स्प्रेन। अच्छा बैठो। hey, खुद को बड़ा हीरो समझते हो, हमारे एम्प्लॉई हो या पुलिस के, तुम्हारी फोटो सबसे पहले हमारे अखबार में छपनी चाहिए थी लेकिन तुमने तो उन्हें पहले ही अपलोड कर दिया। ओके सर, अगली बार मैं फोटो सिलेक्ट करूंगा, लेआउट चूज करूंगा, पेपर में बड़ा सा प्रिंट करने का ऑर्डर दे दूंगा ताकि तब तक चोर पुलिस के हाथ से निकल जाए और स्विस बैंक में अकाउंट खोलकर ब्लैक मनी से व्हाइट कॉलर लाइफ जिए। क्या बोल रहे? कम ऑन एस, प्लीज अंडरस्टैंड। डोंट कॉल मी एस, कॉल मी एसोसिएट एडिटर। ओके एसोसिएट एडिटर जी, हर न्यूज चैनल पर हमारे अखबार डेली डॉन और अश्विन का नाम लिया जा रहा है। सर बिना एक पैसा खर्च किए हमें फ्री पब्लिसिटी मिल रही है, इसमें हमारा ही फायदा है ना? शी हैज अ पॉइंट, बाल की खाल मत निकालो अमर। आजकल आपने इसे ज्यादा ही सर पर चढ़ा दिया सर, इसे सीनियर से कुछ सीखना सर, चाहिए। सर क्या बात बोल दी आपने, आपके पैर कहाँ हैं सर? जूते उतारिए, मैं आपके पैर पढ़ना चाहता हूँ। अरे सर हद हो गई। ए तू इतना जोखिम क्यों उठाता है? मैं तो कहता हूँ ये सब छोड़ के धर्म की सेवा में लग जा, मंदिर बाबाओं की फोटो खींचो, मेरी मदद करो। अरे उनु, अरे सुन दो अश्विन, रुक स्टॉप अश्विन, कहाँ जाओ कहाँ जाओ, यहाँ क्या कर रही है? ए रुक रुक पकड़ो उसे, व्हाट्स हैपनिंग, प्लीज यहाँ मत आओ, प्लीज बचाइए पिताजी, प्लीज तू यहाँ क्या कर रही है? कॉल मी क्रिश। क्रिश बिकॉज़ ऑफ हर आई लॉस्ट माय कैमरा। मीट रेणुका चीफ रिपोर्टर, इसने आज ही हमें ज्वाइन किया है। सॉरी उस वक्त मुझे लगा कि तुम चोर हो। अच्छा मैं चोर लगता हूँ तुम्हें? आए हाय कितना चिकना चोर है ये। चुप करी मुंह बंद रखो। अश्विन पिछले 3 सालों से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो न्यूज तुमने पढ़ी है इसी ने कवर की है। ओ ये वही रेणुका नारायणन है। ए आशु नहाए भी नहीं ना अब तक, त्योहार का दिन है और मेरी रसोई में घुस गया, तो अब ऊपर वाला मुझे पाप देगा? आ, आ। सब तेरे बॉस की गलती है जिसने तुझे सर पर चढ़ाया। आप कल ऑफिस आ और डांटो उन्हें। करते हुए बैंक लूटने वाले 5 में से 4 नक्सलियों को शहर के अलग अलग इलाकों से धर दबोचा है और फिलहाल वो सारे हिरासत में हैं। आशु आशु जल्दी देख, पुलिस ने उन लुटेरों को पकड़ लिया। हमारे चीफ मिनिस्टर योगराज मकरन ने नक्सलियों को पकड़े जाने पर खुशी जताई। हमारी पुलिस ने जान पे खेल के उन नक्सलियों को पकड़ा, उनका लीडर जहाँ कहीं भी वो जल्दी पकड़ा जाएगा।
आपका सीएम वादा करता है वो किसी को नहीं बख्शेगा। मैं दिल से आभारी हूँ फोटोग्राफर का। क्या नाम है सर? अश्विन। हाँ, अश्विन, जिसने बड़ी होशियारी से वो फोटो खींच कर पुलिस की मदद की। मैं आभारी हूँ डेली डॉन अखबार का और अश्विन के माँ बाप को मैं प्रणाम करता हूँ। अब मौसम का हाल जानते हैं। क्या बात है। अरे आपकी खूबी मुझ में आई है। अच्छा हुआ वहाँ पे नहीं गया। मुझ पे जाता तो आज सीएम नहीं पीएम तारीफ कर रहा था तेरी। तुमसे बची तो नहीं पाता, तुम उसका खून जो पीती रहती हो। करेक्ट। आज से तुम्हारा खाना बंद, टिफिन ले जाना भी बंद, आज से बर्तन भी तुम ही धो। बोंजा बॉयज एंड गर्ल्स, You people look so good tonight. Let's party and hit the spot. As we take it higher, we gon' set the song on fire. दिल्ली डॉन्स चीफ रिपोर्टर, तुम वही हो ना सोशल ग्रुप नया सवेरा के लीडर वसंत? हाँ। तुम यहाँ बाहर क्यों बैठे हो? ये पार्टी उन सेलिब्रिटीज को थैंक्स कहने के लिए ना जिन्होंने गरीब और बेसहारा बच्चों को डोनेशन दिया। इस तरह पानी की तरह पैसे बहाने के बजाय हम इन पैसों से कितने अनाथ बच्चों की मदद कर सकते हैं इस बारे में कोई नहीं सोचता। खैर ये तो अपनी अपनी सोच है। नमस्ते। शहर का बच्चा बच्चा स्कूल जाएगा और अपने अंधेरे भविष्य में नया उजाला लाएगा। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, और यही हमारी सोच है। हमारी सेलिब्रिटीज आपसे इस बारे में बात करने के लिए तैयार हैं। स्मिता जी, सुना है आप भी बाबाओं की शरण में जाती हैं? यस, मैं स्वामी जी के आश्रम में जाती हूँ, वहाँ से फिट होकर आती हूँ। मैं तो बस उन्हें फॉलो करती हूँ, वो कभी मुझे आगे झुकाते हैं कभी पीछे झुकाते हैं, यही तो है मेरी बेस्ट स्पीकर का राज। मिस्टर कैलाश, हमने सुना है कि आपने और मंजू जी ने छुपकर शादी कर ली है, क्या ये सही है? नो कमेंट्स, पास। सर ये कोई क्विज कॉन्टेस्ट नहीं है जो आप पास कर रहे हो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। देखिए ये कोई फिल्मी पार्टी नहीं है, आप पर्सनल सवाल क्यों पूछ रहे हैं? जो भी पूछना है कैंपेन के बारे में पूछिए। कैंपेन? डिस्को में दारू पी के नंगा नाच करने वाले ये आपका कैंपेन चलाएंगे? चलो निकलते हैं यहां से। मिस्टर कैलाश, कैलाश प्लीज, कैलाश प्लीज रुक जाइए। रुक जाओ, तुम लोग क्यों रुके हो? अगर ये हमारे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो तुम क्या खाना खाने रुके हो? इज्जत है या नहीं? एक्सक्यूज मी, आप प्रेस वाले हर खबर को मसालेदार क्यों बनाना चाहते हो? हेलो, हम कोई मिर्च मसाला नहीं लगाते, हम प्रेस वाले पब्लिक को वही न्यूज दिखाते हैं जो सच होती है। जब तुम जानते हो कि हम झूठी खबरें छापते हैं तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की जरूरत क्या है? तुम लोगों को अच्छे काम में भी बुराई नजर आती है हमेशा। ये सेलिब्रिटीज यहाँ मेरे लिए नहीं एक मकसद से आए थे। ये इवेंट उन अनाथ बच्चों के चेहरे पर स्माइल लाने की पहल है और इसमें कामयाब होने के लिए हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। देखा आप लोगों ने, अब ये हमें गुरु ज्ञान देगा। सर ये मीडिया को सिखा रहा है। सर ये क्या है, बैठ जाइए। मीडिया का क्या काम है? समाज को सच्चाई बताना, बुराई दिखाना ताकि लोग जागरूक हो, हम समाज का आईना है। अब बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे तुम बैठो, बैठो यार। ए, तू क्या उन लोगों का एजेंट है जो उनकी साइड ले रहा है? अरे सर मैं उनका नहीं समाज का एजेंट हूँ, आपकी मदद के बिना समाज कैसे सुधरेगा? बैठ जाइए, बैठिए ना। देखिए जो कुछ भी हुआ प्लीज उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ। इस नेक काम के लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। हाय मिस रेनू, यू सेव्ड मी। वसंत, मीट अश्विन। हाय। हाय। सीनियर फोटोग्राफर। नाइस मीटिंग यू। नाइस मीटिंग यू टू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। एनीवे आई नीड टू ट्रांसफर द फोटोज, आई विल कैच यू गाइस लेटर। बाय। ओके। बाय। सबको अपना समझने वाले, सबका भला करने वाले नेताओं के नेता, आम आदमी की आवाज, एमएलए के उम्मीदवार सोमेश्वर शिंदे, शेरों के शेर, राजाओं का राजा, आया आया एमएलए सोमेश्वर शिंदे आया। जीतेंगे भाई, जीतेंगे, जिंदगी जीतेंगे, जीतेंगे। वोट मुझे मिलना चाहिए वरना कोर्ट की जगह लंगोट दूंगा। नेताजी मेरे बच्चे का नाम रख दीजिए। विजय। नेताजी बहुत अच्छा नाम रखा। भारी मतों से विजयी बनाए। क्या बताऊं, झेल झेल ले सोमेश्वर, जीत गया तो 5 साल बाद ही आना पड़ेगा। नेताजी लाठाल। सोमेश्वर शिंदे गाड़ी में रख दे सवाल। नेताजी के गाड़ी में नोट रखने की जगह नहीं बची, ये लो आपस में बांट लो। सब में बराबर बांटना चाहिए, ये किसी काम की नहीं है, 1000 के पुराने नोट की माला है। मेरी माँ को देसी दारू खा गई रे।
मर गई मेरी मैया मर गई। अरे बचा लो कोई। क्या बात है, नीता जी ने पैसे दिए। ए नीता जी के साथ फोटो खींच। मेरी भी। सिर्फ 1,000 ही दिया, ये अच्छा भी नहीं है। इस योगी राज का छोटा पोस्टर हटा के बड़ा लगा दो। चलेगा इधर फोटो नहीं निकालने का, चल चल भाग यहाँ से, आ जाते हैं फोटो निकालने के लिए। तुम्हारे पति को मैं समझा दूंगा। अरे तुम्हारे पति को मैं समझा दूंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो, ये पैसे रखो। महंगाई के जमाने में 2,000 रुपए फ्री में मिल रहे हैं ना। अपने बच्चे के सर की कसम खाती हूँ, वोट सिर्फ सोमेश्वर को ही दूंगी और किसी को नहीं। हमारी पार्टी को ही वोट डालना। हाँ जी जी। सोमेश्वर शिंदे जिंदाबाद। ए ले पकड़ पकड़ पकड़। ए वोट इधर डालना, ये तो दो लेना, चल समझा ना। सिर्फ सोमेश्वर शिंदे को ही वोट दीजिए। इधर खींचले मारने साइड में। सोमेश्वर शिंदे को ही वोट दीजिए, अपना वोट सोमेश्वर शिंदे को। इलेक्शन के टाइम में फ्री बिरयानी या फ्री दारू का मजा ही अलग है। सोमेश्वर शिंदे जिंदाबाद। सोमेश्वर शिंदे बहुत कड़वा है, मम्मी को बोलूंगा। जिंदाबाद। आप सभी को नमस्कार। मेहनत करने से यहाँ कोई नहीं कतराता, तो फिर क्यों अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। मैं भी आप में से एक हूँ, आपकी तरह मैं भी ऐसी ही बस्ती में पला बड़ा हूँ। मेरी माँ ने कड़ी मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया और उन्हीं की मेहनत की वजह से आज मैं एक इंजीनियर बन पाया हूँ और महीने का अच्छा खासा कमा रहा हूँ। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। आपके बच्चे इस देश का भविष्य है। रात को दारू पी के आया और मुझे बहुत पीटा। ए मुझे कोई काम नहीं है क्या? ये नेता चल पकौड़े ले और बोनी कर। इतनी भूख लगी है कि घास भी चबा जाऊं। देख भाई MBA की पढ़ाई करते जिसे वोट देते हैं ना, वही हमें उल्लू बना के चला जाता है। सब धोखेबाज हैं। इसीलिए मेरी बात समझो कि आपको। अरे वो चिल्लाया जा रहा है पर कोई सुनी नहीं। मैं सुनूंगा ना। हाँ सर वेलकम सर, ये पढ़िए और जिंदगी बदलिए। क्या लग गया भाई साहब? यही कि हमको वोट दो और बदले में फ्री में ठहरा और पौवा पी के टल्ली रहो। भाई मेरा वोट तो तुमको ही। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात पर ध्यान दें कि पढ़ाई यहाँ की गाय भैंस भी तेरा भाषण नहीं सुन रही। लगता है हमें गाय भैंस ही सुन रही है। हाथ में भोंपू लेके भाषण दे रहे हो, कोई वोट नहीं देगा। यहाँ दाल नहीं गली कि कहीं और जाकर दाल चावल पकाते करे तो। सुन वसंत, हिम्मत मत हार, बस नेकी की राह पर चलता रहे तो। वाह डॉक्टर प्रकाश, ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि कितने पेशेंट्स को आपकी दवाई से लूज मोशन हो गया है। ये आपका टैलेंट है, ठीक ठाक आओ मर के जाओ। अपनी दवाई तो गया एक बार ले लीजिए। आग लगी है, फायर ब्रिगेड को फोन लगाओ। आग लगी, चल चल चल, कोई बचाओ, पानी लाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ, यहाँ पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ, जल्दी 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 जल्दी, पानी पानी, अरे अरे अरे, कोई बचाओ, अरे मेरी दुकान दे, अरे जल्दी कर, बाहर आइए, जल्दी जल्दी, फायर कोर कोर कोर, पानी लाओ, और पानी लाओ, पानी निकालना, पानी लाओ, पानी लाओ, हाँ जल्दी कर, बाहर आइए, आप उसके फिर बात करिए, चलिए मेरे साथ, जल्दी कर। कुछ नहीं होगा उसे, आप चिंता मत कीजिए, वो आ रहे हैं, और पानी की जरूरत पड़ेगी। हाँ पानी डालो, इतने से पानी बनेगा, और पानी डालो। अरे बच्चा जल्दी करो, जल्दी इस तरह से डाल, मैं इस तरह से डाल रहा हूँ, और डालो और डालो, ये ले। हाँ पानी के साथ मिट्टी भी, जल्दी जल्दी पानी भी डालो, जल्दी और पानी, और पानी डालो, तुम जल्दी करो। हाँ बस बस, आग बुझ गई, बुझ गई। आप भगवान नहीं, ये आप क्या कर रही हैं? आपने मेरे बच्चे को बचाया, आप मेरे लिए भगवान का रूप है। आप नहीं आते तो मेरी मम का दम तोड़ देती। बेटा तुम ठीक हो ना, ख्याल रखो अपना। ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। ए उधर क्या शूटिंग कर रहा है, इधर कर। सब डरपोक की तरह 9-11 हो गए, पर मैं यही टिका रहा, आपको मैंने बुझाया। ये देख ऐसे पानी फेंका और पूरी आग को बुझा। अरे मैंने आग बुझा, इसकी क्यों जल रही है? वसंत को वोट देना, वसंत को वोट देना, हमारी निशानी पंख है, पंख। नहीं सब उड़ेंगे, सफलता के साथ उड़ेंगे। क्या कर रहे हैं, ऐसे में किसी का फायदा नहीं उठाते। अरे अब जा चलो, हमें ऐसी पब्लिसिटी नहीं चाहिए, कभी ऐसा मत करना।
ओए डायरेक्टर, तेरी मूवी आधे स्टार के लायक ही थी, गधा कहीं का। इडियट। मूवी का ट्रेलर तो ऐसे काटा है जैसे कोई गरम मसाला हो। पिक्चर देखी तो पता चला है तो पानी कम चाय है। उस डायरेक्टर को जनता गराज और सराय नायडू देखनी चाहिए। क्या टप हुई है? ए सारू, ये देख, ऐसे फोटोग्राफ्स तो सिर्फ अपना अश्विनी ले सकता है। दिल खुश कर देता है। हर फोटो के पीछे एक कहानी होती है। He's really amazing. ए, उसकी ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। रेणुका, प्लीज कम। अगर ये स्टोरी छाप दी तो सोमेश्वर क्रिमिनल साबित होगा। खबर पक्की है ना? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट उसकी माँ का इंटरव्यू मैंने खुद लिया है। मेरा पति एक नंबर का बेवड़ा है। सोमेश्वर सीएम तभी बन पाएगा अगर वो एक नाबालिग लड़की से शादी करे। मेरी बेटी 13 की, ऐसे कैसे उसे अपनी बेटी दे दो? माँ, मेरी पेंसिल कहाँ है? इस पागल की जिंदगी दांव पर लगी और इसको पेंसिल की पड़ी है। जा यहाँ से। कहाँ का गुस्सा कहाँ? मेरा पति बाप नहीं, राक्षस है। मेरा सर फोड़ दिया जब मैंने उसे मना किया। इस बारे में सोमेश्वर ने क्या कहा? उनके लोग रिपोर्टर्स को उनके आसपास भी नहीं भटकने देते। तुम्हारे पास सबूत तो है ना? हाय। हाय। बोल्ड आर्टिकल यार, टू गुड। थैंक्स। यू लुक प्रीटी गॉर्जियस टुडे। थैंक्स अगेन। वैसे रेणुका, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने कहा है लड़की में ब्यूटी और ब्रेन्स दोनों नहीं हो सकते। पर तुम्हें दोनों है। हे, वो इस आर्नोल्ड शाह। तुम्हें नहीं पता, आर्नोल्ड शाह हमारी ऑफिस में काम करता है, फोटोग्राफर है। हे, इस मामले में तो मैं टॉप पर हूँ ना। घुंघराले बालों वाली लड़कियों में कभी कभी अकल और शक्ल दोनों नहीं होती। पीट दूंगी। अरे hey, मेरा आज का आर्टिकल पढ़ा? सी, होटल में लगी जिस्म की मंडी, रेड में कॉलेज गर्ल्स तक पकड़ी गई हैं। हे अश्विन, बताओ ना, एक रात का रेट कितना होगा? दाम से क्या मतलब है, मुझे तो काम से मतलब है। एक रात के 10 से 20 हजार मिलते हैं लड़कियों को। जैसी सर्विस होती है वैसा रेट होता है। ऐसी बात है? ऑफ कोर्स। तो मेरा रेट कितना होगा? तू पागल है क्या? छोड़ना, मार्केट वैल्यू जान रही हूँ। तुम्हारा फिगर देखकर कोई चिल्लर भी नहीं देगा। चूटी करके अभी बताती हूँ तुझे। सच्चाई गुस्सा आ गया। अरे ओके 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 ओके, चल चल चल, छोड़। इसका रेट कितना होगा? पता है, अगर कुछ भी कहो ना तो दोनों को मार दूंगी। ओके ओके, वैसे तो ओके है, हाइट ज्यादा है। लड़के को स्टूल अपने घर से लाना होगा। दिस इज टू मच यार। ओके ओके, जस्ट पास 35%। जस्ट शट अप। ओके, शट अप। कहता है मुझे, हां, स्टॉप इट, स्टॉप इट, डू नॉट पार। रुक जाओ। व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? ये ऑफिस है या प्लेग्राउंड? जस्ट चिल आउट एस एसोसिएट एडिटर। एसोसिएट एडिटर जी, कैन आई गो टू द टॉयलेट? जस्ट गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। क्या सुरेश, तुम भी बस आराम से खड़े होके देख रहे हो? औरतों के सामने मुंह नहीं खुलता सर। दिस इज नॉट फनी। इस ऑफिस में सबके सब पागल है। व्हाट द हेल? क्या रे, उसके साथ बहुत फ्लिर हो रही है? वो मेरा है, तुझे पता नहीं है क्या? सुबह जब आई तो तेरी साड़ी यहाँ बंधी थी, फिसल के नीचे कैसे चली गई? सुन ले, दूर रहना उससे। अरे नीता जी, यहाँ कैसे आना हुआ? आई आई क्या अश्विन, कभी लड़कियों के कभी गुंडों की तस्वीरें खींचता है, कभी पुण्य कमाने का भी काम कर लिया करो। सर, पुण्य कमाने की क्या जगह ढूंढी आपने? अश्विन, 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 मैंने कुछ नहीं देखा। तू यहाँ क्यों आई है? देख, सांस और जिप दोनों अटक गई, दीवार पर स्प्रे पेंटिंग कर दी इन्होंने। सोमेश्वर शिंदे अपने गुंडों के साथ यहाँ आया है। तूने लिखा कि कल 12 बजे मेरी शादी है, सही कहा ना? किसके साथ? तेरे साथ? नो प्रॉब्लम, शादी तो मैं जरूर करूंगा और वो भी ठीक 12 बजे। समझ गई? समझी कि नहीं? अरे बाप रे, और बारात में तू भी चलेगी, चल। सर, छोड़ो, ये जर्नलिस्ट है। दूर रह, एमबीए। सर सर सर, ये क्या, आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए सर, बैठिए ना। तू कौन है बे? ये आप क्या पूछ रहे हैं सर? आपको किसकी फोटोज ने इतना बड़ा लीडर बनाया सर? आपकी झकास फोटो किसने खींची? मैंने खींची सर। हे हे, व्हाट द हेल, यू आर स्पिटिंग इन माय सिम्पोसिनी वॉल कैक्टस, यू मैनलेस ब्लडी स्वाइन, सन ऑफ। सर चुप रहो। पेपर छापती है देसी भाषा में और पटर पटर करती है विदेशी भाषा में। आई विल कॉल द पुलिस नाउ। पुलिस को थूकने के लिए इस कटोरी में। ए पुलिस, पुलिस। सर सर,
छोड़िए ना सर, ये लोग जानते नहीं आप क्या चीज है। काली नगर के एसपी को दिन दहाड़े नंगा करके रिवॉल्वर लेके उसके पीछे भागे थे आप। वो इसको बताओ ना। हाँ। सरू, यू शट योर माउथ, कुछ मत बोल, मामला सीरियस हो सकता है, मुझे हैंडल करने दे, मैं देख लेता हूँ क्या करना है। सर सर इसमें What's happening here? और अंग्रेज आ गया। अच्छा तू एडिटर है। हे वकील खड़ा क्या है, चल शुरू हो जा। चुनाव नजदीक है और हेलो श्री, एक प्रॉब्लम हो गई है, बाहर आओ। हालात सामान्य होने का नाम। कितना रोकड़ा लिया रूलिंग पार्टी से? यू? अरे सर, आप ही रूलिंग हैं, आप ही ओपोजिशन हैं, हम तो आपकी कितनी इज्जत करते हैं, आपके खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकते। तो फिर ये क्या है, शादी का तोहफा, शादी की शुभकामनाएं? सर हमने वही लिखा जो इस लड़की और इसकी माँ ने हमसे कहा। उस औरत को अंदर लेके आ। हेलो सर, आई एम सतीश अग्रवाल द पब्लिशर। मेरे शहर में रह के मुझसे ही पंगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? कम क्रिश, झूठी खबरें फैलाना। चल बुलाओ। इतने छोटे मैटर के लिए आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों? सर क्या है? वो लोग आ गए। क्या रे, कौन हो तुम लोग, तुमने इन लोगों से क्या कहा? इन्होंने घर में घुसकर हमारा राशन कार्ड छीन लिया और हमारी फोटो भी खींच ली। ये आप क्या कह रही हैं? गुड़िया, डायरेक्ट स्कूल से आई हो क्या? अच्छा तुम मुझे जानती हो? बोलो ना बेटा। नहीं जानती। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बेटा, प्लीज। हम नहीं जानते कि आप कौन हैं। फिनिश। हमें जाने दीजिए। सर वो झूठ बोल रही है। मैंने उस दिन सारा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। अप्पा, रिकॉर्ड है? हमें भी दिखाओ। कहाँ गया? मुझे रिकॉर्डिंग मिल नहीं रही है क्रिश। तुम जाओ। चलो। ए पब्लिशर सुन ले, मैं बहुत जल्दी पावर में आने वाला हूँ, उसके बाद ये तेरी बिल्डिंग। तुमने हमारी ऑफिस में जबरदस्ती घुस के हमें धमकी दी, ये कल हेडलाइन होगी, पढ़ लेना। अरे बाप। ए, ए। कम, इलेक्शन होने वाले हैं, थोड़ा धीरज रख। सारी गलती हमारी है सर, टोटली वन साइडेड, देयर इज नो काउंटर क्लेरिफिकेशन। अब आगे क्या करना चाहिए? इस बात को यहीं दबा देते हैं। गो अहेड। हम कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हैं। और जो छप गया उसका क्या? सर हम छाप देंगे, आपने ये मानने से इनकार कर दिया। खबर ही गलत है तो इनकार कैसा, माफी मांगनी होगी मुझसे। हे वकील जी, बताओ इनको माफी मांगो वरना हम 100 करोड़ का मानहानि का दावा ठोक देंगे। सर इसकी धमकियों से डरने की जरूरत नहीं, हम इसे कोर्ट में घसीटेंगे। सॉरी सर, मैं आपसे माफी मांगता हूं। माफी पहले पेज पर छापना। राज्य के शेर, देश के गौरव सोमेश्वर शिंदे के बारे में छपी खबर सरासर बेबुनियाद है, हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। पूरे फ्रंट पेज पर सिर्फ यही खबर होनी चाहिए, समझ गए ना? इनसे पेपर पर साइन करवा लेना। रेनो कम टू माय चेंबर। ए हीरोइन, वो जो तुम ढूंढ रही थी कहीं ये तो नहीं? खाली है, नो रिकॉर्डिंग, फालतू है तुम्हारी तरह। रख लो इसे, फिर काम आएगा। बाय। एक्सक्यूज मी सर, सर सर उस औरत ने दबाव में अपना स्टेटमेंट बदल दिया। अश्विन जस्ट गेट आउट ऑफ हियर, आई सेड गेट आउट प्लीज। सर हमारी ऑफिस का कोई उसके साथ मिला हुआ है, वरना ये रिकॉर्डर उसके पास कैसे आता? यू चीट, यू फ्रॉड, झूठी कहानी गढ़ के हमें बेइज्जत करवाया। सर ये सब मेरी वजह से हुआ है, स्टोरी मैंने अप्रूव की थी। क्रिश शट अप, चुप रहो तुम। आई एम वेरी सॉरी सर, आई विल रिजाइन। यू हैव अ चॉइस, मैंने तो तुम्हें 10 मिनट पहले ही डिसमिस कर दिया था, गेट लॉस्ट। Yeah.
तेरे को अपन क्या सड़क का भिखारी दिख रहा है? अपन क्या तेरे से फ्री में पैक मांगा? नहीं, वो ग्लास खाली था तो मैंने सोचा भर दूं। अच्छा, बटवा भी खाली है, भरेगा क्या? अबे शहर का बहुत बड़ा आदमी बनने वाला, वो भी कल के कल देखना। ए, मुंह क्या बना रहा है, जानता मैं कौन हूँ? सोमेश्वर का कुत्ता। है? क्या बोला मैं तू? मैंने कहा आप उनके खास आदमी हो। तेरे को सबक सिखाऊं क्या? माफ करना भाई, मुझसे गलती हो गई, मैं चलता हूँ। अरे क्या कर रहा है, भरा हुआ पैक वापस नहीं ले जाते? ओरिजिनल अंग्रेजी है। हाँ भाई। उधर गाड़ी से चल चल। उसे धक्का क्यों दे रही हो? क्या हुआ रे, चुप बैठ। चल क्या हुआ, उसे धक्का क्यों? चुप रहो। चल बैठ जा। सर पूजा शुरू करो। नमस्ते। बेटी की शादी में भी चढ़ा के आया। चला सोमेश्वर जी, आप कन्या के बगल में बैठ जाइए। अभी हल्का हो गया था। अब आप कन्या के गले में नींबू का हार डालिए और अब कन्या आपके गले में डालेगी। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चये नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अब आप थाली पकड़िए। जय कपाल, जय कपाल भैरवी, जय कपाल भैरवी। ए ढोल बजाओ, ढोल बजाओ रे। ओम सर्व गधा, यानी मंगल संकेत, शुभ है शुभ है। गधे के दर्शन से सब मंगल होगा, आपको राजनीति में कोई नहीं हरा सकता। मंगल सूत्र पहनाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुण्य। क्या हुआ रे, तेरे को इतना पैसा मिला ना फिर भी रोती है? चुप है। चलो चलो बाकी गाड़ियों को भी निकालो। अरे सागर किधर है? शायद उस तरफ गया है। राज सर, सागर को देखा क्या? साहब थोड़ी और दक्षिणा मिल जाती तो। वो दूसरी गाड़ी में चला गया।
हेलो 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 स्टॉप प्रेस। अब आया हूं ऊंट पहाड़ के नीचे। सब मेरी ट्रेनिंग का नतीजा है, सिखा रहा हूं, धीरे धीरे सीख जाएगा। सर प्रिंटिंग लेट हो रही है, एजेंट दिमाग खा रहा है। खलबली मचाने वाली खबर है, 1,00,000 एक्स्ट्रा कॉपी छापने के लिए तैयार हो जाओ, जाओ। अच्छा सुनो, एक नाबालिग लड़की की फोटो अपने अखबार में छापने से कोई लीगल प्रॉब्लम तो खड़ी नहीं होगी ना? क्या उसने रेप किया? नहीं नहीं, रेप नहीं, बाल विवाह का केस है। शादी इशू नहीं है, हमारे लिखने से अगर लड़की की जान बचती है तो ये हमें करना चाहिए। ई की मात्रा सही नहीं, ऊ की जगह बड़ी ऊ डाल दी है, कितनी मिस्टेक्स हैं इसमें। तुम क्या देख रही हो? कम कम एंड करेक्ट द कॉपी, कम ऑन। अच्छा अमर, पब्लिशर से बात हुई? और हाँ, फ्रंट पेज का लेआउट भी चेंज करना पड़ेगा, ये खबर फ्रंट पेज पे जाएगी। आज का अखबार तो आग लगा देगा भाई। सर सुपर फोटोग्राफी, मजा आ गया सर। थैंक यू। Congratulations, Ashwin. Thanks. Sir. Congrats, Ashwin. Thank you, sir. तुम्हारी salary बढ़ानी ही चाहिए. Congratulations, Ashwin. Thank you, sir. बधाई हो. Thank you, Ashwin. तुमने सिर्फ मेरी इज्जत ही नहीं बचाई, बल्कि एक बहुत बड़े अपराध का पर्दाफाश भी किया है. Krish, I just did my job, yeah. Thank you. It's a big day for me. Thanks, yaar. Hey, good job, hey, man. Thanks. Thanks. बहुत बढ़िया काम किया, Ashwin. Thank you. Thank you. ओ, तो यहाँ छुपी हो? हे, क्या हुआ तुम्हें? रेनू, तुम्हें अपनी जॉब वापस मिल गई है? अश्विन, मैं एक कम ऑन रेनू, जो हुआ मुझे बोलने तो, मेरे सपने, मेरी इच्छाएं उड़ान भरने से पहले ही दम तोड़ने वाले थे। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी अश्विन? एक रास्ता है। इस वीकेंड क्या कर रही हो? मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? कुछ भी। अब की बार योगी सरकार, अब की बार योगी सरकार, अब की बार योगी सरकार। अरे किरण, अपने वसंत को मार रहे हैं। रुक, तेरी तो। ए किरण, किरण, उनका मत उलझ। किरण भाग, किरण, किरण भाग, मेरी बात सुन किरण। सर, वो लोग मेरे दोस्त को मार रहे हैं, उन्हें रोकिए सर। वो आग दस है सर। ए, चल गाड़ी चला। सर रुकिए सर, सर प्लीज हेल्प कीजिए। चंद्र भाग, रुको, नहीं। ए, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? स्टॉप इट! क्या लगा रखा है ये? इंसान हो या जानवर, खुले आप गुंडागर्दी करते, शर्म नहीं आती? अरे सिक्योरिटी, ये 2% के गुंडे ऊपर कैसे आ गए? ऑफिस में तमाशा खड़ा कर दिया है, जल्दी से पुलिस को बुलाओ। पुलिस से कहो जल्दी आए, वरना मैं कमिश्नर से बात करूंगा। छोड़ूंगा नहीं।
मेरे स्टाफ मेंबर जख्मी हो गए। मिस रेणुका, यू नो समथिंग, वोट पाने के लिए हर घर में दारू, पैसा और कपड़े बांटे गए हैं, और जब हमने विरोध किया तो हम पर अटैक किया। इतनी सारी कार्स, पोस्टर्स, एडवर्टाइज, इलेक्शन कमीशन के रूल की तो धजिया उड़ा रहे हैं ये लोग। ए छिपकली, तूने कितनी बहादुरी से उसका सामना किया, अब वो किसी को छेड़ने से पहले दो बार सोचेगा। आंसू मत बहा, तू सिर्फ हंसती हुई अच्छी लगती है, और काटने में तूने कुत्तों को पीछे छोड़ दिया। उसे 14 नहीं 28 इंजेक्शन लगने वाले हैं। मैं इस करप्शन के खिलाफ लड़ूंगा, हम सबको आवाज उठानी चाहिए। I want you to help us. इंटरव्यू चल रहा है रेणु डांटे की। गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर बनता जा रहा है। हमें इस सिस्टम को बदलना होगा, और अगर यूथ कुछ नहीं करेगा तो और कौन करेगा? गांव कौन सा है? सबको एक इंटरेस्ट नहीं है ना तुम्हें? बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है ना? तुम्हारी गलती नहीं है, दरअसल ऐसा ही होता है। सच्चाई की किसी को नहीं पड़ी, हमें बस टीआरपी चाहिए। अगर चैनल की टीआरपी बढ़ेगी तो एम्प्लॉइज की पगार भी तो बढ़ेगी ना। अगर आप लोग अपना काम ठीक से करोगे ना तो इस देश में क्राइम होगा ही नहीं। एक्सक्यूज मी, नो, जर्नलिस्ट की वजह से गुंडागर्दी कम हुई है, करप्शन कम हुआ है, यहाँ तक कि मिनिस्टर्स भी जेल गए हैं। ए, बुरा क्यों मान रही हो, तुम तो खामखा नाराज हो गई। मेरा कहना बस इतना है कि तुम अपने पेपर में सही मुद्दों को उठाओ और उसे जनता तक पहुँचने दो, दैट्स ऑल। कभी अगर टाइम मिला तो कॉफी पीने चलेंगे, और शायद तब तक मेरे घाव भी भर जाएंगे। अश्विन, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून। What's up? That's a good story. I think झारखंड में हुए ट्रेन एक्सीडेंट की न्यूज़ फ्रंट पेज पर होनी चाहिए। क्रिश, ये न्यूज़ तो है ही, पर हमें इस न्यूज़ को फ्रंट पेज पे छापना चाहिए। अन्याय के खिलाफ छेड़ी एक पढ़े लिखे नौजवान की जंग, लोग ऐसी स्टोरीज मन से पढ़ते हैं। You are teaching us? अब तुम हमें सजेशन दोगे? ये फोटोग्राफर्स कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ गए हैं। He is right. वसंत की ये खबर फ्रंट पेज पर छापो। यहाँ पर ये भीड़ क्यों जमा हुई? ये सब लोग तुझसे मिलने आए हैं। क्यों, तूने सबको बुलाया ना? अरे नहीं यार, तेरी तरह इनको भी अपनी धुलाई करानी है, वो भी बिना साबुन के। कहते हैं इलेक्शन में हमारा साथ देंगे। आपने हम पर भरोसा जताया, इसलिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। मैं बिहार में IAS ऑफिसर था, मैंने करप्शन पे सवाल उठाया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया। सरकारी अफसर बनकर देश की सेवा करनी थी, लेकिन मैं गलत लोगों में फंस गया। मैं मिलिट्री में था। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। नया सवेरा के लीडर ने आज फैसला लिया है कि उनकी पार्टी आने वाले इलेक्शंस में अच्छी छवि के आम लोगों को अपना उम्मीदवार बनाएगी। ए, किसके साथ डुएट गा रही हो, ऋतिक या रणबीर? मेरा हीरो तो कोई और है, मेरी जान अश्विन। यू नो, बाकी लड़कों को थोड़ा सा भाव दो तो यहाँ वहाँ टच करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद सीधा कॉफी शॉप और फिर बेड पर। बट अश्विन इज डिफरेंट एंड ही इज हॉट, ही इज माय डार्लिंग। हाय अश्विन, अंदर आओ। ओह माय गॉड, बता कर आता तो अपनी हालत सुधार लेती। ये क्या मजाक है? और छोटे भीम, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो बस चेस खेलने आया हूँ। ठरकी कहीं के, स्टेपलर मांगता है, पेन मांगता है और घर जाके अपने कान खुजाता है। चीजें मांगने आता है, अपनी आंखें सेकने। चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, जा और अपनी माँ को घूर। थोड़ा सा भी चैन नहीं है, अब फिर से फेस पैक बनाना पड़ेगा। हे अश्विन, तुम यहाँ कैसे? हे सारो, आंखों पर ककड़ी क्यों रखी है? तेरी तो, तू बार बार यही देखने आता है ना यहाँ। आइला, छी छी। अरे मुझे भी देखने दो ना अंकल। हे, मैं इसलिए यहाँ नहीं आया हूँ। हे रेनू, क्या चल रहा है ये सब? संडे मॉर्निंग को फ्री शो? हाँ ए छपरी, चल निकल। ये चीटिंग है, मैं पापा को बोल दूंगा। तू क्या देख रही है, चल। तू भी ना रेनू का, बताया क्यों नहीं कि अश्विन आया है? बताया तो था। रेनू और कितना टाइम? अश्विन, अगर कोई लड़की तुम्हें कभी आई लव यू बोले तो तुम क्या करोगे? Hmm?
शक्ल धो नहीं पाती और मुझे प्रपोज कर रही है? तू ना भाग यहाँ से, इडियट कहीं का, कभी मुझे सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन हे, तू कहीं उस टाइप का तो नहीं है? तो एक झापड़ मारूंगा, साबुन उतर जाएगा। ओके, आई एम रेडी, बाय बाय। तुम लोग जा रहे हो, मैं बोर हो जाऊंगी। तुझे कंपनी देने के लिए उस छोटा भीम को अंदर भेज दूं? ओके ओके ओके। आगे तुम, हमने सुना है तुम्हारा और मूर्ति का 36 का आंकड़ा है, भाई मिलके काम किया करो। जी सर। अरे एमएलए और मिनिस्टर बनने के लिए लोगों का साथ चाहिए होता है। ठीक है सर। होटल का बंदोबस्त हो गया ना? जी सर। जी आप दोनों डेली डॉन्स हैं ना? यस सर। यस सर। तुम अश्विन हो ना? हाँ हाँ सर। क्या जेम्स, मुझे बताया क्यों नहीं आने वाले? एक काम करते हैं, आराम से कार में बैठ के बात करते हैं। ओके सर। सर आने वाली इलेक्शन इलेक्शन की बात छोड़ो, क्या समझती हो खुद को, हाथ में पहने तो कुछ भी लिख दोगी, गुंडागर्दी भ्रष्टाचार कुछ भी लिखती हो। पॉलिटिक्स में कभी कभी गेहूं के साथ घुन भी पिस जाया करता है, लेकिन मैंने उनका ख्याल रखा ना, तुम्हारे प्रेस में भ्रष्टाचार नहीं है क्या? मानता हूँ हमारे कार्यकर्ता ने किसी को गलती से पीट दिया होगा, तुम लोग तो ऐसा लिखते हो जैसे हमारी पार्टी गुंडों से भरी हुई है, दिमाग है कि भूसा भरा है? हमने अपोजिशन को खत्म कर दिया है और अगले इलेक्शन में भी हम ही जीतने वाले हैं, जो मन में आया लिख दिया। पद्मा, वो लड़का कौन है जिसको प्रेस ने हीरो बना दिया? वसंत। हाँ वसंत। क्या मैडम चक्कर क्या है उसके साथ? उसके बारे में लिखते हुए कौन सी पेन यूज करती हो? पैदल चलता है, ऑटो में घूमता है, गरीबों लाचारों की मदद करता है, और क्या लिखा था, मॉडर्न भारत की जोशीली नई पहचान। मेरे बारे में ऐसा नहीं लिख सकती? वो कब उठता है, कब सोता है, क्या खाता है, सब छप होगी क्या? वो मुझसे ज्यादा लोगों में लोकप्रिय है क्या? देखना चाहती हो कौन ज्यादा है? एक मिनट को मैं दिखाता हूँ। गाड़ी रोक। तुम ही रहो। सर सर सर, ये क्या कर रहे हैं सर आप? अरे जो रोड पे चलता रिपोर्टर उसी के बारे में छापते, पीछे हटो। पीछे हटो सब। देखा मुझे देखते ही कैसे भीड़ जमा हो गई? क्या वसंत को देखकर इतनी होगी? बोलो ना, तुम्हें क्या लगता है कि एक नेता घर घर जाकर सबका चूल्हा जलाएगा? अरे भाई, पापी पेट के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो ये लोग कर रहे हैं। इसे देखो, इस उम्र में सब्जी बेच रही है, कष्ट किए बिना कुछ हासिल नहीं होता। सुबह उठे और शाम को सीएम बन गए, ऐसा नहीं होता, समझे? अरे आपके दर्शन हो। अरे अरे, आपकी जगह मेरे पैरों में नहीं, दिल में है। ये देखो, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। इस राज्य के लोगों ने मुझे दिल से चाहा है। ऐसे जज्बात पैसों से खरीदे नहीं जाते, अंदर से आते हैं। सर कैसे हैं? सर, एक एम्बुलेंस कब से खड़ी हुई है, ट्रैफिक जाम की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही है। अगर किसी को कुछ हो गया तो खामखा बखेड़ा हो जाएगा। चलिए सर, प्लीज गाड़ी में बैठ जाइए, पहले से ही अब टेररिस्ट और नक्सलाइट्स की हिट लिस्ट में है। न जाने कब कोई कहां से बॉम्ब फेंक दे या गोली चला दे। नमस्ते, नमस्ते। इलेक्शन का वक्त है, कुछ भी हो सकता है। सर आगे चलना है? सर प्लीज गाड़ी में बैठ। चलो चलो सर, आइए। अरे अश्विन। सर, मेरी फोटोज कैसी आई? एकदम मस्त सर, भीड़ भाड़ में भी पोज कैसे देना है ये कोई आपसे सीखे सर, अच्छी फोटो आई है। मैं अच्छे से जानता हूँ कैमरे को कब फेस दिखाना है और कब पीठ दिखा कर निकल लेना चाहिए। आज का मेरा ये इंटरव्यू तुम्हारे फ्रंट पेज पर आएगा ना सर? हाँ, क्यों नहीं। फ्रंट पेज सर? अरे कल पूरे फ्रंट पेज पर आप ही आप दिखेंगे सर। पद्मा विभूति देना। सर, हम जानना चाहते हैं कि स्टेट इलेक्शन की डेट कब तक आएगी? कौन सी डेट आई है? 30 तारीख। हाँ 30 तारीख। कहा जाता है कि आपके और आपके सेक्रेटरी के नाजायज संबंध है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? कौन हो तुम, कितने पैसे लिए? हाँ इसके साथ संबंध है, मेरी बेटी जैसी है ये। अगर ये आपकी बेटी जैसी है तो इसकी माँ भी तो होगी ना सर? अभी बताता हूँ, बदतमीज सर। सर आप क्या कर रहे हैं? शर्म आती सर, ये क्या कर रहे हैं? मेरी बेटी की तरह सब जानना चाहता था सर। सर सर, क्या समझ रखा तुम? हाँ सर, मैं इतना घेरा बचाओ बचाओ। आज पेपर की 2 लाख एक्स्ट्रा कॉपीज बिकी हैं। सर्कुलेशन में अब हम नंबर 1 पर हैं। कांग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी। वेल डन। कांग्रेचुलेशंस। वेल डन। गुड शॉट। वेरी गुड। या।
अपोजिशन से कितना माल अंदर किया? मैं बस सच्ची खबरें छापता हूँ, रिश्वत नहीं लेता। मैंने एक रिपोर्टर को मारा, तुमने मसाला भर के छाप दिया, जानते भी उसने मुझसे क्या पूछा था? यही बात तो मैं भी जानना चाहता हूँ सर। चलिए आप ही बता दीजिए, कल के पेपर में उसे भी छाप दूंगा। मजाक सोच रहे तुम लोगों को? एक बात बताओ, तुम्हारा वो फोटोग्राफर है वहाँ, उसको फोन दो। सर तुम जब मिलने आए तभी से मुझे तुम पर पूरा डाउट था। सर वो आगे पीछे क्या शूट करना है फोटोग्राफर जानता है सर। सही कह रहे हो तुम, पीठ पीछे बराबर छुरा भोका है। तुमने अपना रंग तो दिखा दिया, अब मेरी बारी है। कल की मेन न्यूज यही होगी। रीनू, उसको भूलना प्लीज। आज नहीं ना प्लीज। कब बोलेगी यार? प्लीज मेरी अच्छी दोस्त है ना, बोलना प्लीज प्लीज। ए आशु, मुझे काम है यार। रीनू को तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ, क्या बात है? उससे ही पूछना। बोलो। अश्विन, आर यू फ्री इन द इवनिंग? हाँ, कोई असाइनमेंट है? कैन वी मीट फॉर डिनर? डिनर? वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू। ओ हाय। हाय। तुम नर्वस हो ना? मैं भी काफी नर्वस हूँ। मेरे तो हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं। यू नो समथिंग, दिस मोमेंट हमारे बीच कुछ ऐसा होगा, मैं अपने दिल की बात कहूंगा, तुम अपनी फीलिंग्स बताओगी, और उसके बाद मैं एक्चुअली इसकी रिहर्सल करके आया था, बट एक्साइटमेंट में जस्ट फॉरगॉट, टोटली फॉरगॉट। खैर अब जो हुआ सो हुआ। रेनू, विल यू मैरी मी? अश्विन, मैं यहाँ सरों के लिए आई थी, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, ये सब वो तुमसे खुद कहना चाहती थी, लेकिन तुम कभी उसकी बातों को सीरियसली ही नहीं लेते हो, तो उसने मुझसे कहा। मैं असल में उसके बारे में तुमसे बात करना चाहती थी। सरू सेंट यू हियर? उसका दिमाग खराब है? हे तुम पागल हो जो उसकी बातों में आ गई? उसने तो मजाक में तुमसे ऐसा कहा होगा। मैंने कभी उसे उस नजर से नहीं देखा रेनू, मैं तो अपने मॉम डैड को तुम्हारे बारे में बता चुका हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ बोल रही हो, मैंने तुम्हारी आंखों में प्यार देखा है। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अगर दिल में कुछ नहीं है तो फिर आंखों में आंसू क्यों है? हे, हे रेनू, रेनू मेरी बात तो सुनो। क्या कहा तूने? अरे बेवकूफ, मैं पागल हूँ, दिमाग खराब है मेरा? अरे क्या कह रही हो? ओके ओके ओके। हे देख, तू है ना मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब अगर मैं तुझे प्रपोज करूंगा तो वो दोस्ती की इंसल्ट होगी। अब तुमने उसे प्रपोज क्यों किया? अरे सरू, बात को समझने की कोशिश कर। अगर तू मुझसे प्यार नहीं करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन तूने उसके सामने मेरी बुराई कैसे कर दी? गधा कहीं का। अरे इट्स अ जोक यार। एम आई जोकर? यस। नो 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 नो। रेनु मेरी बात तो सुनो, एक बार एक बार। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सरू मेरे बारे में ऐसा फील करती है। हे रेनू, मेरी बात समझने की कोशिश करो। यू आर स्मार्ट गर्ल, तूने अपना चक्कर चलाया ना? ए, क्या देख रही है? इसे किस करने के लिए मुझे तेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। ऐसी लड़की हूँ मैं, हटेली, पागल और बेवकूफ, उल्लू कहेंगी, गले लग जा। हे, अभी ड्रामा किस बात का? हाँ? हे, हे, सुगड़े पहलवान, तुम्हारी शादी हो चुकी है? हाँ? अरे बाप रे। हे, हेलो, लिसन। एक तो संभलती नहीं है, दूसरी आएगी तो ग्राउंड फ्लोर से कूदना पड़ेगा। मुस्कुराते रहो। सारो, मेरी शादी नहीं हुई अब तक। सारो, सारो, मैं तुम्हारे पापा से बात करने आऊं। लिपस्टिक तुम्हें ट्राई करना है? नहीं। अरे करो ना। नो। ठीक है, मत करो। सरो, किसी धूर्त ज्योतिषी ने सोमेश्वर शिंदे को बोला कि अगर तुम एक 13 साल की नाबालिग लड़की से शादी करो तो इस बार तुम्हें सीएम बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे पापा परसों भड़क गए कि तुझे पढ़ा लिखा के बड़ी गलती करती, तेरे लिए क्लिनिक खोल के दी और तू ये पॉलिटिक्स में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। वो यहाँ राजनीति करने आया है या फिर करो अंधविश्वास फैलाने? जय हिंद।
हरी राम जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, हरी राम जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, हरी राम जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। अरे कोई सोडा लेके आओ। रुको रुको रुको, हटो, सोडा मत मिलाओ। ऐसी हालत में सोडा नहीं मिलाते हैं सर। देखिए मेरी बात नहीं समझने की कोशिश सिखा रहे हैं। मैं डॉक्टर हूँ, क्या कर रहे हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ। अरे डॉक्टर है यार, डॉक्टर है। थोड़ा पीछे, थोड़ा इधर ला, सर के नीचे रख। पीछे पीछे सब लोग पीछे हट जाइए प्लीज, हवा आने दीजिए। सब लोग पीछे हटिए प्लीज। पीछे पीछे जोर से सांस लीजिए, फिक्र मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। हा? बेटा तुम तो भगवान का रूप हो। माफ करना, हमको मालूम नहीं था तुम डॉक्टर हो। कोई बात नहीं, आप बस इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए। चलो चलो इस तरफ, हाँ जल्दी जल्दी, आइए आइए। थैंक्स यार। हे प्रकाश, मान गए यार, ये तो मेरा काम है यार। तूने कमाल का काम किया यार। डॉक्टर साहब, गर्दन में हमेशा दर्द रहता है। बेटा मुझे दिखाई नहीं देता, जरा देखना तो। कमिश्नर, आने वाले इलेक्शन को लेकर आप क्या कहते हैं? ऑपोजिशन की हालत पतली है, प्रॉब्लम वो स्टूडेंट्स ही हैं। वो बच्चे ओपिनियन पोल बनाकर लोगों पर असर डाल रहे हैं, दिखा रहे हैं जैसे सरकार उनकी बनेगी। सर, हमें लगा था वो सोशल सर्विस तक ही सीमित रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें शहर गांव हर जगह भारी पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है। वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है सर, किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। फ्री की टेस्टी बिरयानी और फोकट की साड़ी और क्वार्टर को लात मार कर आने वाले को सलाम। मजाक मजाक में ज्यादा ही भीड़ जमा हो गई है। हम हमेशा यही उम्मीद रखते हैं कि हमारा हीरो जीतना ही चाहिए। धोनी ने सिक्स नहीं मारा, हमें वर्ल्ड कप नहीं जिताया। करमचंद बन के हमेशा एक दूसरे के घर में जासूसी करते हैं, खुद से ज्यादा दूसरे में इंटरेस्ट है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने एरिया में कौन सा कैंडिडेट खड़ा है इसके बारे में किसी को रत्ती भर भी पता नहीं है। हमारी इस टीम में 8 PhD है। यह है सैयद, मंदिर में चढ़ाया हुआ 100 किलो का लड्डू लग रहा है। ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा है लेकिन बालों में अभी भी जुए रेंगती है। मैं आप सबको ये बोल के क्यों पका रहा हूँ, IIT IIM जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं हमारे देश में, फिर भी हमारे बच्चे बोरिया बिस्तर उठाकर अमेरिका इंग्लैंड चले। अगर इसे वीजा मिला ना तो ये भी भाग जाएगा और नाचेंगे ऑन फॉरेन की ताल। अरे यहाँ टैलेंट की नहीं सिफारिश की पूजा होती है, लेकिन गलती उनकी नहीं है ना, क्योंकि माल है तो ताल वरना तू बेहाल है। दुनिया को जीरो हमने दिया और आज नसीब देखो, हम खुद जीरो बन के रह गए। वसंत को देखना, दूर से देखो बहुत क्यूट है ना, पास आके देखो तो जीरो एकदम नया बकरा दिखता है। ऐसा क्या है जो हमारे बच्चे यहाँ टिकते नहीं? तूने अपने हुस्न का जादू चला के मेरे बॉयफ्रेंड को तो पटा लिया ना, अब अगर मुझे कोई और पसंद आया है तो तुझे इसमें भी प्रॉब्लम है क्या? हॉस्पिटल है तो ऑक्सीजन नहीं, कॉलेज है तो टीचर नहीं, गवर्नमेंट ऑफिस है तो सॉरी स्वच्छ भारत अभियान भूल गई। इट्स ओके, वॉशरूम कहाँ है? बैक स्टेज। वाह थैंक्स। मैं तो बोलता हूँ कब तक हम ये सब झेलते रहेंगे। हमें अपने लोगों को असेंबली में भेजना चाहिए ताकि जब हमारे नेता कोई गड़बड़ करें तो आपके ये आम आदमी उन्हें कान के नीचे बजाए। माँ कसम मजा आएगा। सारी जनता को मेरा नमस्कार। राजनीति के नाम पर इन नेताओं ने हमारी कब्र खोद डाली है। जिस जमीन को हम माँ कहते हैं उसको कारोबार बना कर रखा है। इतना ही नहीं, हम दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। बस अब बहुत हो गया, हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। हम बगावत करेंगे, हम प्यार से नहीं लात से बात करेंगे। इनको तो लुंगी डांस करवाएंगे। एक मिनट, अगला स्पीकर है हमारा अपना वसंत, आ जाओ वसंत। आप सबको मेरा नमस्कार। आप जानते हैं एक अनाथ के साथ अक्सर क्या होता है? साथियों, आप जिसे सुन रहे हैं वो भी एक अनाथ है। चलो मैं तो संभल गया, लेकिन क्या आप अपने देश को और अपनी माँ को ऐसे ही लावारिस छोड़ देंगे? अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कुर्सी मिल गई ना, दिखने वाला भी नहीं है। आप बदलाव नहीं चाहते? हम आवाज नहीं उठाएंगे? क्या आप अपने आप में बदलाव नहीं चाहते? आखिर कब तक ये लोग दीमक की तरह देश को खाते रहेंगे? क्या कोई आवाज नहीं उठाएगा? हम उठाएंगे आवाज, हमें नहीं बताओ।
माना कि हम सब नए हैं, अनुभव नहीं है हमारे पास और ना ही हमारे पास पैसे हैं, लेकिन हमारी नीयत में खोट नहीं है। अच्छी नीयत से हम देश को बदलना चाहते हैं। हर इलेक्शन में वही झूठे वादे, वही झूठे। हटना, फोटो खींचने दे। ए, जा कहीं और से खींच ले, देख नहीं रहा है? मैं इधर लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूँ। नहीं चाहिए हमें अपॉर्चुनिटी, चाहिए हमें सामान नहीं, सुविधाएं चाहिए। क्या खाया था? ये भी लाइव है क्या? ए, 2 घंटे से भूखा लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूँ, गैस तो बाहर आएगी ना। लेकिन आवाज उठाना हम बंद नहीं मार डालेगा। नई फिल्म की टिकट के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, वीजा के लिए यूएस एम्बेसी के बाहर खड़े रहने में हमें कोई एतराज नहीं होता, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो पैरों में दर्द होने लगता है। वोट के बदले नोट देने वाले हमें बुरे नहीं लगते, हर इलेक्शन में दल बदलने वालों को हम जिता देते हैं। स्टेज पर बॉम्ब फटने वाला है ठीक 9:30 बजे, उसे बचा लो सारो। खुद को बदलना होगा, हम बदलने को तैयार हैं। इस बार सब कसम खाएंगे कि ना नोट, ना दारू और ना ही कपड़ा, हम किसी चीज के सामने नहीं झुकेंगे। उसे ही वोट देंगे जो लायक है, जो अपना है, जो हमारे ही बीच से आया है, जो हमारे दुख दर्द। Hey, clear the place. निकलो यहाँ से। Hey, निकलो। चलो चलो हटो। सोचते हैं कि इस जगह खाली करो। हट जाओ। Move. मैं ऐसा नहीं सोचता। Clear the place. Hey, चलो 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 नीचे उतरो। हट जाओ। क्या बात है अश्विन? अरे वसंत, स्टेज के नीचे बॉम्ब है। बॉम्ब है? तुम मजाक कर रहे हो क्या? वक्त नहीं है वसंत, चलो। तुम ठीक हो? तुम्हें बॉम्ब के बारे में पता कैसे चला? घबरा मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्रकाश, यहाँ आओ जल्दी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पकड़ो इसे, जल्दी उठाओ, चलो। चंदर, किरण, कहाँ हो तुम सब? चंदू, हेलो एम्बुलेंस। किरण, कहाँ चले गए थे तुम? अरे मैं तो यही था। ठीक है, जाओ लोगों की मदद करो। सब ठीक हो जाएगा। पूर्वी, प्रकाश, वसंत, पूर्वी को देखा, तू ठीक तो है? मैं ठीक हूँ। पता नहीं कैसे हो गया, और हमारे सारे दोस्त, वो सब ठीक है ना? मैं मेडिकल किट लेकर आता हूँ, अभी लेकर आता हूँ। प्रकाश, हे प्रकाश, आंखें खोल अपनी। प्रकाश, तुझे कुछ नहीं होगा। प्रकाश, तू ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। प्रकाश, हे, बचाओ इसे, ले जा। सैयद, पूर्वी, जल्दी यहाँ उठाओ इसे, उठाओ जल्दी, उठाओ उठाओ उठाओ, जल्दी उठाओ इसे, उठाओ काम। हॉस्पिटल ले जाओ इसे। सुनो, सीधा हॉस्पिटल जाओ। हे, अरे आगे खोलो। हे, उठाओ उठाओ इसे, चलो। हे, ले चलो इसे। आराम से। अश्विन, are you okay? I'm okay. सरो, तुम ठीक? सरो कहाँ पर है? पता नहीं, मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ। बॉम्ब के बारे में उसने मैसेज किया था। एक काम करो, तुम्हारा मोबाइल है, उसे कॉल करो। कॉल। Come on. सरो, सरो क्या हो गया? आंखें खोलो। अश्विन, सरो वेक अप। सरो बात करो मुझसे। अश्विन, देखो ना। हे, सरो यहाँ देखो, सरो मेरी तरफ देखो। सरो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हे, डोंट गिव अप सरो। सरो, हे, एम्बुलेंस। हे, सरो, डोंट गिव अप। लुक एट मी सरो, मुझसे बात करो, कुछ बोलो सरो। हे, तुम्हें कुछ नहीं होगा सरो, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। हे,
सेज के नीचे बॉम्ब था, तुम्हें कैसे पता चला? सरो बताओ मुझे, स्टे फोकस्ड, बताओ मुझे, सरो सरो इनको कोई जानता है? ये सर, ये हमारा कैमरामैन था। जाकर देखो इसके पेरेंट्स आएंगे। ऐसे वक्त भी आपको पैसे याद आते हैं? साहब, पैसे? हाँ हाँ मिल जाएंगे। जिन बॉडीज की पहचान हो गई है उसे ऊपर लेकर जाओ। मेरा बेटा। एक एक करके सबको लेकर जाओ। मेरा बेटा। अरे क्या साहब, सुबह से कितनी लाशें मुर्दा घर में रखी है, चाय पानी के लिए कुछ दे दो साहब, कुछ तो कदर करो। सर, कल हुए बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से इलेक्शन पोस्टपोन होंगे। अरे जाओ यहाँ से अभी। नमस्कार नेताजी। अरे बाप रे, हे डॉक्टर। गुड मॉर्निंग सर। ये सब क्या है, क्या है ये? हॉस्पिटल है या भूचड़ खाना? ये सारे इज्जतदार एजुकेटेड टैक्स पेयर लोग हैं, इस तरह जमीन पर लिटाकर इनका इलाज हो रहा है? सॉरी सर, सारे बेड फुल हो गए हैं। नहीं, बेड फुल नहीं है, तुम्हारी नियत में खोट है। जेब भर जाएगी तो बेड खाली हो जाएगा। छे भैया, ये देश कभी नहीं सुधर सकता। भैया क्या है, अपना राज है यहाँ है? भूल गए अपना सपोर्टर हुआ करता था। अरे MBA, देखा, किसी ने सही कहा है, दो कश्ती में सवार नहीं होना चाहिए। देखा, कट गया ना, दो से 1.5 हो गया। अरे डॉक्टर साहिबा, ये हमारा बच्चा है, इसका ठीक से ख्याल रखना। ओके, ये दवाई टाइम पे देना। ओए, ये यहाँ क्या कर रही है, ये कैसे जिंदा बच गई? बहन तुम पक्का जिंदा हो ना? मैंने सुना था कि तुम्हारे ऑफिस की एक लड़की ब्लास्ट में मर गई, मुझे लगा वो तुम हो। अयो अयो, अब मुझे माफ कर देना। आ, आ, आ। भगवान तुम्हें जल्दी उठा ले, लगता है वो अंग्रेज की बच्ची मर गई। एम्बुलेंस बाहर खड़ी अंकल। hey, मैंने अपने पेंशन की पाई पाई इसकी बेटिका की पढ़ाई लिखाई में लगा दी, तुमने इसका दिमाग खराब किया, मेरा होनहार बेटा तुम्हारी वजह से मर गया, तू कभी कुछ नहीं रहेगा। अंकल चलिए चलिए। मेडिकल कैंप, सोशल सर्विस, भाषणबाजी क्या कर ली तुम, तो खुद को तुर्रम खान समझने लगे। पॉलिटिक्स इतनी आसान नहीं है, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करोगे तो घूमते रह जाओगे। अभी तो कुछ ही लोग मरे हैं। अरे कल के छोकरे, देखना अभी क्या क्या होता है। तू अभी नया है, तुझे अभी बहुतों को कंधा देना है। हाँ लगे रहे, कंधे मजबूत कर ले। अरे घूरते क्या रे? सर आपके हिसाब से बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे हाथ किसका है? साफ, मैं क्या बताऊँ, सब साफ है। ये इलेक्शन का टाइम है, क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हो? नाम बताने में क्या हर्ज है सर? वो आया सुबह से नजर तुम्हें? कौन सर? CM। इलेक्शन के बाद जब हम सत्ता में आएंगे तो सब साफ हो जाएगा। वसंत जी, आपकी पार्टी के कितने कार्यकर्ता मारे गए, टोटल कितने लोग मरे हैं, आपके पास क्या जानकारी है? मैंने सुना है कि इस घटना की पहले से आपको खबर। स्टॉप इट, ऑल ऑफ यू गेट आउट, आई से हट जाओ यहां से। हम आपकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आप हमें धक्का मार रहे हैं? भाड़ में गई पार्टी, मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। कल नॉमिनेशन वापस लेने का आखिरी दिन था, अब आपका अगला फैसला क्या होगा? मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। हम सब तो आम लोग हैं, हम पर बॉम्ब ब्लास्ट करवाया, इन सब ने क्या बिगाड़ा था उनका, इन सब के आंसुओं का क्या जवाब दूंगा मैं? बस अब पॉलिटिक्स नहीं चाहिए हमें, हट जाओ यहाँ से, गेट आउट प्लीज, जाओ यहाँ से, चले जाओ। भाई वो पहले से बहुत टेंशन में यार, ये लाइट बंद कर, बंद कर देंगे। अरे, पर ये धक्का क्यों दे रहे हैं? बाद में उसे धक्का क्यों दिया यार, ये सब बंद कर, चल जा। वसंत, मासूमों की लाश पर पैर रखकर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। वसंत मेरी बात तो सुनो प्लीज। ये सब क्या चल रहा है?
इलेक्शन आने वाले और उससे पहले शहर में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, सब क्या है? तुम क्या कलम किसते रहते हो? इसे तुम लोग सिक्योरिटी कहते हो? सर, उसी दौरान पुलिस का बंदोबस्त चार मिनिस्टर्स की सभाओं में था, तो ऐसे में एक्स्ट्रा फोर्स कैसे लगाते हैं? जवाब हमेशा जेब में लेके घूमते हो क्या? रिपोर्ट नहीं पड़ी क्या? आईडी बॉम्ब यूज हुआ है, उसके अंदर सेमटेक्स भी पाया गया है। ये पक्का नक्सलवादियों का काम था। हो सकता है वो लड़के आपस में मिले हुए हो। ये बैठे बैठे बैल की तरह सर के हिला रहे हो। जरा बाहर निकलो और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उन्हें जेल में डालो। न्यूज मेरे लिए अच्छा छपना चाहिए, बुरा नहीं। क्या हुआ? मैंने आपको श्राद्ध के भोग के लिए बुलाया है, जाओ आप। कॉफी सर पर डाल देना मेरे। कॉफी पिलाएगी, एक नंबर का ट्रामा किंग है। पहले खुद भड़काता है और फिर हमें काम पे लगा देता है कुछ बकरों को पकड़ने के लिए। कुत्ते जैसी हालत करती है। कितने लोग मरे हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, इसकी कुछ तो बताइए सर। रेनु, सरों के पेरेंट्स कहाँ हैं? वो रहे मेरी बेटी सरो। धमाके की आवाज सुनते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। लोग डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगे थे। आप जो वीडियो देख रहे हैं वो हमारे कैमरामैन मनोज के द्वारा ली गई है, जो इस धमाके में मारे गए, लेकिन उनका कैमरा उस वक्त ऑन था। धमाके से कम जबकि भगदड़ और घबराहट की वजह से ज्यादा लोग मारे गए। पुलिस बारीकी से इस मामले की जांच कर रही है और तुम अकेले चली जाओ, मुझे कुछ काम है। उसके मरने के बाद भी 15 मिनट तक कैमरा ऑन रहा। हमने फुटेज एडिट की है। ये चैनल का लोगो हटाओ। ओके, अब इमेज को रोटेट करो। ओके, कुछ खास दिखा क्या? वो टॉप लेफ्ट में जरा जूम करना। या कोई उसे बेरहमी से मार रहा है। गॉड, इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर मैन। हे, रिवाइंड करो। ओके ओके, अब स्लो मोशन में प्ले करो। ओके, फ्रीज फ्रीज फ्रीज, ये तो सरो का मोबाइल फोन है। इस वीडियो की एक कॉपी मुझे डीवीडी पे दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं हूँ रेनू। क्या हुआ, क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों? अश्विन, क्या हुआ तुम्हें? ऊपर 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 कोई है। कौन है ऊपर? मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। तुम आओ मेरे साथ, घबराओ मत। कम कम रुको।
चल 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 जल्दी बैठ जल्दी बैठ। चोर सिर्फ घर से बैग लेने आया था, ना पैसा ना गहने कुछ नहीं। आपने कुछ छुआ तो नहीं? जिस आदमी ने सरों का गला दबाया था उसकी उंगलियों के निशान उस फोन पर है। मैंने वो कैमरा फुटेज में देखा था। वी डिडंट टच एनीथिंग। फिंगरप्रिंट्स इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दो। ओके सर। अगर कोई बात हो तो फोन करना। श्योर। ओके, कल सुबह ऑफिस में मिलेंगे। कुछ प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। ठीक है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं अश्विन? वही बताने के लिए मैं। तूने सरों को क्यों मार दिया? सरों ने उनका क्या बिगाड़ा था? कुर्सी के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं अश्विन। ये लोग हैवान हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है अश्विन। प्लीज मुझे छोड़ दो। बस ज़्यादा। रिलैक्स रेनू। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बिल्कुल मत घबराओ। I'm always there for you, okay? डेली डॉन रिपोर्टर सरस्वती राव की मौत पर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हाल ही में आए फुटेज से ये पता चला है कि उनकी मौत ब्लास्ट से नहीं गला घोट कर की गई है। क्या उनकी मौत एक सोची समझी साजिश थी? क्या इसके पीछे राज्य के सीएम योगी राज का हाथ है? प्लानिंग करने वाले को जब पता चला, हो सकता है कि सरस्वती राव को पता चल गया हो कि उस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे मास्टरमाइंड कौन था, और अपनी पोल खुलने के डर से सरस्वती राव की हत्या कर दी गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद उनके साथ मिली हुई थी, या फिर उसके मुंह खोलने से ऐसा भूचाल आता जिससे राज्य की सत्ता हिल जाती। क्या बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार फिर से हम ही बनाएंगे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपकी तबीयत कैसी है? बढ़िया सर। नमस्ते नमस्ते सर। क्या हुआ जेम्स, मैं जल्दी आ गया क्या? इतने लोग आए हैं सर, प्रेस वाले नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने बायकॉट किया है सर। हमारे नेता सोमेश्वर शिंदे शेर जितने खूंखार होने के साथ साथ गाय जितने दयालु भी हैं। स्मिता कोठारी जो एक मशहूर अभिनेत्री है उन्हें अपनी गोद में बिठाकर, अभी क्लियर करता हूँ, मतलब चुनाव में उतार कर अपने ही विधानसभा से लड़ने का मौका दे रहे हैं। ये होती है औरतों की असली इज्जत। स्मिता कोठारी जी दो शब्द कहेंगी। हाय फैंस, कैसे हैं आप? आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ उसका रीजन है आपके और मेरे बीच की केमिस्ट्री, जो मैं देख सकती हूँ। आप तो जानते हैं मेरे कितने हैं। मेरा मतलब है आपके जैसे चाहने वाले, और इन्हीं चाहने वालों के लिए मैं इलेक्शन में खड़ी हो रही हूँ ताकि आपके पास रह सकूँ। आपकी और मेरी जोड़ी नंबर वन है। अब आपको मुझे चाहने के अलावा और भी बहुत कुछ देना है, जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। अरे वोट मांगो। ओ, मेरा मतलब है वोट, बहुत सारे वोट। सॉरी, अब मेरे शूटिंग पे जाने का टाइम हो गया है। टाटा माय फैंस, गॉट टू गो, बाय। थोड़ा आशीर्वाद हमें भी दे दो। तो फैंस, मुझे जिताओ और अपना नेता बनाओ, बाय। देखा हमारे प्रचार के लिए कितने लोग आए हैं। और अब साथियों, मैं हमारे शेर राज्य के होने वाले अगले सीएम सोमेश्वर शिंदे को आपसे कुछ कहने के लिए आमंत्रित करता हूँ। अरे लाइट वाइट उतारो भाई। अरे यार प्रोग्राम खत्म हो गया यार। सर, हमें स्मिता जी का भाषण लास्ट में रखना चाहिए था। तो ये आइडिया पहले नहीं बताना था कथे। ये देखो ओपिनियन पोल, लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। ओपिनियन पोल में तुम्हारी टीम का वोटिंग परसेंटेज 10 से बढ़कर 36% हो गया है। वसंत, प्लीज उन्हें जीतने मत देना। ब्लास्ट में क्या सिर्फ तुम्हारे यार दोस्त मारे थे? बाकी लोगों की भी जान गई है। क्यों, हमारी सरों नहीं गई? लेकिन हम सब कैमरा और पेन फेंक कर तुम्हारी तरह रोने नहीं बैठ गए। प्रॉब्लम क्या है, इतने में डर गया? इस बात का डर है ना कि तू ना मर जाए। ये है हमारा लीडर, सेल्फिश। हे, इससे कुछ नहीं होगा, हम आवाज उठाएंगे। बसंत, मेरा अब भी तुझ पर यकीन है। जिन 30 लोगों की जान गई वो कौन थे? इधर देख, वो वही थे जिन्हें हम पर अटूट भरोसा था। अगर हमने कुछ नहीं किया तो उनका बलिदान जाया हो जाएगा। प्लीज यार, प्लीज।
सच को दबाया जा सकता है लेकिन उसे दफनाया नहीं जा सकता। हमारा दोस्त प्रकाश करप्शन से लड़ रहा था लेकिन उसकी ही बॉडी पाने के लिए हमें रिश्वत देनी पड़ी और जब हमने मना किया और आवाज उठाई तो कहते हैं कि यहां तो यही चलता है, लोगों के इमोशन, उनके जज्बात उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। क्या इसीलिए हमने इन नेताओं को चुना था? अब वक्त आ चुका है इन नेताओं को आम आदमी की ताकत दिखाने का। हम सब मिलकर उनको बताएंगे कि हम ही यहां के असली मालिक हैं और हम ही यहां राज करेंगे। क्या हमने इन कामों के लिए उनको चुना था? बिल्कुल भी नहीं। अपनी रक्षा के लिए उन्हें चुना था लेकिन अब वो हमारे भक्षक बन चुके हैं। आओ हम एक आवाज में प्रण लेते हैं कि अब बस और नहीं, लड़ेंगे, जीतेंगे और इस देश का भविष्य बदलेंगे। यही वक्त है एक होने का, आवाज उठाने का। के विधानसभा चुनाव में कुल 85% वोट पड़े हैं जो कि पिछले कई चुनावों से काफी ज्यादा है। लोगों ने भारी संख्या में अपने घरों से निकलकर मतदान किया है। ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में योगी राज की पार्टी आगे चल रही है। सबसे बड़ा धक्का सोमेश्वर शिंदे को लगा है क्योंकि जानकारी के हिसाब से वो नया सवेरा पार्टी के किरण कुमार से लगभग 30,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वोटिंग मशीन को टेंपर किया गया है, जो भी बटन दबाओ वोट सीधा नया सवेरा पार्टी को जाता है। 50,000 वोटों से आगे चल रहे योगी राज अब पूरे 50,000 और 18 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। अब मिनिस्टर साहब आ गए। हटो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आइए। चलो पीछे हटो, पीछे हटो। सर आइए सर। इस घंटे की बड़ी खबर ये है कि नया सवेरा पार्टी के उम्मीदवार पूरे 100 सीटों पर आगे चल रहे हैं। उम्मीदवार चंदर, अंजना, राजाजी, बाला सारे अपनी सीट जीत चुके हैं। नया सवेरा के लीडर वसंत फिलहाल मिनिस्टर प्रशांत मोहिते से 200 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अगर वसंत हार गए तो उनकी पार्टी की जीत फीकी पड़ जाएगी। देखिए प्रचार में कोई न कोई कमी तो रही है, आप लोगों ने ठीक से ध्यान नहीं दिया। अरे सर 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 सर, देखिए कितने पटाखे लाया हूं मैं सर। आइए काउंटिंग के फाइनल राउंड के बाद जो नतीजे आए हैं उसके अनुसार नया सवेरा पार्टी के लीडर वसंत दीक्षित ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी प्रशांत मोहिते को 520 वोटों से हरा कर इलेक्शन जीत लिया है। मुबारक हो। अरे आप उनका लीडर जीतना चाहिए था, अंदर कोई झोल हो गया है, पता है क्या? ए, देख के चला। ये क्या कर रहे हो? स्टॉप, रुक जाओ। ए, ऐसा मत करो। सर। अरे, कोई रोको। चार्ज। तुम वंदी वाले। क्या कर रहे हो तुम? बदलने में तुम लोग गिरगिट के भी बाप हो। मम्मी। Congratulations, sir. Thank you. Sir, I'm ACP Kumar. मैं पूरी निष्ठा और सच्चाई से मैं वसंत दीक्षित पूरी निष्ठा और सच्चाई से मुख्यमंत्री की शपथ लेता हूँ। भारत के संविधान के प्रति मैं सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं मंत्री के अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा और साथ ही बिना द्वेष के न्याय करूंगा। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। तुम सीएम तो बन गए पर इस राज्य को चलाओगे कैसे? कोई भी अच्छा काम करने जाओगे हर जगह मुझे पाओगे। अपोजिशन को कम मत समझना बच्चे। शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। बच के रहना। नमस्ते। हेलो।
जनता को एक अच्छा युवा नेता मिला है। नौजवानों के साथ नई सोच नए विचार आएंगे तब परिवर्तन होगा। वो देश का सबसे नौजवान सीएम है। He is only 26। ये न्यूज फ्रंट पेज पे छपनी चाहिए। अश्विन, हम वसंत पे एक फुल पेज स्टोरी कर रहे हैं। हमें उसकी कुछ तस्वीरें चाहिए, लोगों के बीच भाषण देते हुए। अश्विन, तुमने पेन ड्राइव कहाँ रखी है? वहीं होगी, ड्रॉअर के अंदर। इंस्पेक्टर साहब, मैं अश्विन, डेली डॉन का फोटोग्राफर। वो सरों के फोन से फिंगरप्रिंट्स रिकवर हुए हैं क्या? उनके सेल फोन पे हमें 3 फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। एक तो सरों जी के हैं, बाकी 2 किसके हम पता लगा रहे हैं। मुझे एक क्लू मिला था, आपको याद होगा, नेशनल बैंक नक्सल्स ने लूटा था। क्या आप चेक कर सकते हैं कि उनमें से किसी के फिंगरप्रिंट्स सेल फोन पर पाए फिंगरप्रिंट से मैच होते हैं? ओके, देखता हूं मैं। Hey, I got a scoop. इन तीनों फोटोज को कंपेयर करके देखो। ये फोटो मैंने बैंक रॉबरी के टाइम ली थी। ठीक से देखो, इसकी आंख के ऊपर एक निशान है। ये देखो, ये उन नक्सल्स में से एक है जिन्होंने बैंक लूटा था। वसंत की रैली में भी ये देखा गया था। शायद स्टेज के नीचे बॉम्ब इसी ने लगाया होगा। अब इसके बैग के स्ट्रैप को गौर से देखो, और ये फोटो देखो जिसमें वो आदमी सरों को मार रहा है। वही शर्ट और वही सेम बैग, मतलब ये तीनों आदमी एक ही है। नक्सल्स रेनू, इट्स अ ब्रेक थ्रू। मुझे भी अभी अभी एक अहम सबूत मिला है। इस फोटो का क्या मतलब है? तुम और वसंत एक दूसरे को कॉलेज के टाइम से जानते हो, ये बात तुमने मुझसे छुपाई? हे, यू नो व्हाट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम बाद में बात। नो, मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। तुम दोनों एक दूसरे को इतने सालों से जानते हो? रेनू, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मुझे अभी जानना है। ये बात एक्चुअली हमारे कॉलेज के दिनों की है। नए स्टूडेंट्स को हर साल की तरह रैक किया जाता और वो बेचारे डरे सहमे सब कुछ सह लेते। मैं जैसे जैसे उनसे नजरें चुरा कर आगे बढ़ना चाहता था, पर किस्मत खराब थी उनकी, जो उनका सामना मुझसे हो गया। बेचारे स्टूडेंट्स को और तंग होता मैं नहीं देख पाया, और मैंने खुद ही रैगिंग का हिस्सा बनने का फैसला किया ताकि वसंत और उसके गैंग को सबक सिखा सकूं। और इसी तरह हाथापाई शुरू हो गई। तब मेरी नजर पहली बार वसंत पर पड़ी। उसने हाथ उठाया, मारने नहीं, दोस्ती के लिए, और ये जूनियर उन सीनियर्स की गैंग में शामिल हो गया। उसके बाद हम हमेशा साथ रहते, कैंटीन में, कैंपस में, साथ उठते बैठते, मस्ती करते। यूं समझ लो कॉलेज में वी वर बेस्ट फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आने वाले इलेक्शन में हम 10 जगहों से खड़े होंगे। ये लो नॉमिनेशन फॉर्म्स। पिछली बार आईआईटी के लड़कों का क्या हाल हुआ था पता है ना? 100 वोट भी नहीं मिले थे और पैसे भी गए। hey, नौजवान हार मान गए तो देश को बदलेगा कौन? हम इस देश का भविष्य है यार। हाँ, अगर हम हीरोगिरी करेंगे ना तो बाल और दांत दोनों जड़ से निकल जाएंगे। ये इलेक्शन हमारे बस की बात नहीं है। Why not? स्टूडेंट्स आंदोलन की जान है, तो 6 महीने सब कुछ भुला कर सीरियसली इलेक्शन नहीं लड़ सकते? प्रेस की तरफ से जो मदद चाहिए मैं दूंगा। बुझती आग में पेट्रोल डालकर उसे लावे की तरह भड़काना कोई अश्विन से सीखे तो सही है यार। चल बे, मेरी बात अभी समझ में नहीं आएगी, जब बदलाव होगा तब समझेगा। अगर ऑफिस में पता चल गया कि मैं वसंत को जानता हूं तो मुझे पॉलिटिक्स से हटा देंगे और मेरे हाथ में कोई और सब्जेक्ट दे देंगे शूट करने के लिए। मुझे तो इस इलेक्शन को कवर करने का मौका भी नहीं मिलता, इसीलिए नहीं बताया। पर मुझे तो बता सकते थे ना। क्या रेनू, ये मैं तुम्हें कैसे बता सकता था?
तुम कहती कि मैं दोस्त की मदद कर रहा हूँ, ये तो ऐसा है जैसे एग्जाम भी मैं ही लिखूं और मार्क्स भी मैं ही दूं। मैंने अपने काम से कोई बेईमानी नहीं की है। एक्स सीएम योगी ने रिपोर्टर को मारा, माइनर से शादी करने की वजह से वो सोमेश्वर फंस गया। ऑपोजिशन तो अपने आप ही साफ हो गया। हर बार जब ये पार्टियां स्कैंडल में फंसती तब वसंत का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाता। उसकी कामयाबी के पीछे तुम्हारा हाथ है। नहीं, अब मैं समझी। सोमेश्वर की शादी को शूट करने का रिस्क तुमने मेरे लिए नहीं, अपने दोस्त के लिए उठाया था, है ना? देखो, वो थोड़ा तुम्हारे लिए था, थोड़ा वसंत के लिए और थोड़ा पेपर के लिए था। रेनू, रेनू, ये न्यूज़ देखो। अब खून का जवाब खून से नहीं दिया जाएगा और ना ही गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। इसीलिए 20 नक्सलवादियों को सरकार ने रिहा करने का ऑर्डर जारी किया है। इंसानियत के नाते उन्हें सुधरने का एक और सुनहरा मौका दिया जा रहा है। सर, आप उन्हें कब छोड़ने वाले हैं? January 26th को रिपब्लिक डे। वही नक्सल हैं जिन्होंने ब्लास्ट करवाया था और ये उन्हीं को छोड़ने की बात कर रहा है। नो वे। मैं प्रेस से हूँ, सीएम सर से अपॉइंटमेंट। ओके सर, इसको सीएम सर के साइन। ठीक है सर, अर्जेंट काम है, सीएम को कुछ फोटोज दिखाने हैं। सबको अर्जेंट काम है, पहले से ही शेड्यूल 1 घंटा लेट चल रहा है, आपको वेट करना होगा। सर आज मेरा काम हो जाएगा ना? ठीक है, आप लाइन में लग जाइए, काम हो जाएगा। सर अभी मुलाकात नहीं हो पाएगी, अभी कलेक्टर्स की मीटिंग है। हेलो अश्विन, यू आर राइट, रॉबरी में शामिल एक नक्सल के उंगलियों के निशान फोन के निशान से मैच हो गए हैं। तीसरा निशान किसका है ये पता लगाना बाकी है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। कॉन्फ्रेंस रूम के लिए निकलने वाले हैं, अपनी सिक्योरिटी। बोर्ड लग गया है सर। हाँ ओके। अरे पेपर गिर गया। हेलो मिस्टर, सर सर आप अंदर नहीं जा सकते, रुकिए सर। अरे अर्जेंट काम है। ये जबरदस्ती अंदर घुस आया है सर। इट्स ओके, ये मेरा दोस्त है। आओ अश्विन। ओके सर। ये देखो वसंत, ये फोटोज देखो, आंखों के ऊपर के निशान देखो, बैंक रॉबरी। हे, ये यहाँ क्या कर रहा है? हे, यही तो खूनी है। छोड़ो मैंने तुझे। अश्विन पागल हो गया, सरों को क्यों मारा? अश्विन छोड़ो, वसंत इसने सरों को मारा, अश्विन ने ब्लास्ट करवाया। जाओ शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। जिस तरह तुमने मेरी मदद की उसी तरह उसने भी मेरी मदद की। तू पागल हो गया है क्या? रुक जा, रुक। हे ये क्या पागल बना है? ये फोटोज देख, ये देख आंखों के ऊपर का निशान देख, तीनों फोटोज में एक ही निशान है। ये देख रहा है तू? इसी ने रैली में बॉम्ब लगाकर तुझे मारने का प्लान बनाया, सरों को भी इसी ने मारा है। इसी के उंगलियों के निशान हमें सरों के मोबाइल फोन पर मिले हैं। देखो अश्विन, मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके? अरे हे, वो चला गया। अरे वसंत कम से कम पुलिस को कहकर उसे अरेस्ट तो करवा ले। अरे मीटिंग के बाद बात करेंगे ना, सारे कलेक्टर्स आ गए हैं ना? हाँ सब वेट कर रहे हैं। ठीक है। हे हे वसंत, वसंत ये सीरियस मामले को तू लाइटली मत ले यार, इट्स वेरी डेंजरस। तुम फिक्र मत करो, मैं इस मीटिंग के बाद पक्का एक्शन लूंगा। हाय अश्विन। वसंत एनी प्रॉब्लम? नथिंग। थैंक्स, थैंक यू। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक्स। हे बहुत बहुत मुबारक हो। कांग्रेस सर, हमें आप थैंक यू तुम मिले। हाँ बोलिए भाई। ऊपर क्यों गया? नीचे आ। उस फोटोग्राफर ने मुझे पहचान लिया है, जल्दी नीचे आ। जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठो। चलो जल्दी करो, गेट इन। आप नहीं आते तो मेरी ममता दम तोड़ देती। मारना। कादिर, उससे डील हो गई? अभी नहीं।
वो रिपोर्टर क्या बोल रहा था? उसकी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। और हमारी डिमांड याद है ना, तुम्हें हमारे और 10 आदमी छोड़ने हैं। ओके। और मेरे 100 करोड़? वो तुम्हें आधे घंटे के अंदर मिल जाएगा, अब फोन रखो। ओके। कमिश्नर। यस सर। मुझे अभी अभी एक खबर मिली है, बैंक रॉबरी में जो नक्सल्स इन्वॉल्व थे वो इस पते पर छिपे हैं, और उनका जो लीडर है वो ये है। जस्ट डू द नीडफुल। ओके सर। कुमार, कादिर की फाइल आज क्लोज हो जानी चाहिए। ओके सर। सराउंड द एरिया, नक्सलवादी बच के निकलने न पाए। कमान, मूव फॉरवर्ड। कमान। आगे बढ़िए आप। पुलिस कमांडोस, सर, वी आर ऑल रेडी सर। गो देयर। कमान, चलो। जरा साइड दीजिए। थैंक्स। चलिए, ये एरिया खाली कीजिए। चंद्रपुर से कोई कॉल आया? नहीं भाई, कोई कॉल नहीं आया। सब तैयार रहो, आज रात हमें निकलना है। चार्ली, टारगेट इन साइट। कॉपी दैट। देख कौन है। क्या रे? कौन है? वो मैं। हे, तू इधर कैसे? मेरी बात सुनो, बिल्डिंग को पुलिस वालों ने घेर लिया है। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, वरना बचोगे नहीं। टेक हिम डाउन। हे, जल्दी सबको गन दो। कादिर, ये लो, पास करो। इजाज़। बंदी बना के ऊपर ले आओ, जल्दी करो, जल्दी। ले आओ जल्दी। चाली, टारगेट इज डाउन। गुड, वेरी गुड। जल्दी चलो, आगे चलो।
चाली चाली, कोई देख नहीं रहा है, हम अपनी पोजीशन पर हैं। डोंट शूट। हमारे माँ बाप भले ही अनपढ़ रहे हो, लेकिन हमें अपनी अगली पीढ़ी को पढ़ाना है। उसके लिए हमें एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना है। सर, नक्सल्स ने कुछ लोगों को बंदी बना लिया है। करप्शन की नजर बनाए रखो, मैं आ रहा हूँ। यस सर। चंद्र, प्लीज हैंडल दिस, आई बी बैक। चाली चाली, प्रेस रिपोर्टर इनसाइड, रिपोर्टर एक डॉक्टर को ऊपर ले जा रहा है। डोंट शूट। डॉक्टर, पहले एसीपी को चेक कीजिए। चार्ली, डॉक्टर चेकिंग असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर इज नो मोर। हे, रुको, जंग लगा हुआ चाकू। चल अपना काम कर। तू भूल गया क्या, बैंक रॉबरी की जानकारी भी इसने दी थी और अब भी पुलिस को साथ लेके आया है। मैं जानता हूँ, तू जाके आगे का दरवाजा संभाल, जा। चेक कीजिए डॉक्टर। ओके क्रिश, प्रतिभा, बैंगलोर से क्रिश की फ्लाइट डिले हो गई है। उन्होंने हमें सिटी एडिशन को अप्रूव करके प्रिंट में देने के लिए कहा है। ओके सर, और ये हो गया सेंट। हेलो, पुलिस हमारा एनकाउंटर क्यों कर रही है? फिक्र मत करो, मैं बस वहां पहुंच रहा हूं। मैंने पुलिस को फायरिंग रोकने का ऑर्डर दिया है। ये क्या है? ये सिर्फ एक पेन किलर है। ओके। हाँ बोलो, कहाँ हो तुम? तुम्हें एड्रेस देने का क्या फायदा हुआ? एक मामूली नक्सलाइट को मार नहीं पाए? धोखा, मेरे साथ धोखा। मुझे रास्ते से हटाना चाहता है, गद्दार, तू भी नहीं बचेगा। अरे यार, हे हे, एक गोली सीने में गई तो तड़प उठे, यही दर्द तुमने कितनों को पहुंचाया है और न जाने कितने मासूमों की जान ली है। क्यों इतने बेरहम? क्यों? हमारी बगावत वही समझ सकता है जिसे समाज ने धुतकार दिया हो। जैसे देश प्रेम, समाज की भलाई और तरक्की शब्द पॉलिटिशियंस के तकिया कलाम है, वैसे भेदभाव और सामाजिक अन्याय शब्दों को ढाल बनाकर तुम लोग इस्तेमाल करते हो। तुम्हारी जिंदगी में सिनेमा, क्रिकेट, बस यही सब है ना? तुम क्या जानो खाली पेट सोना और नाली का गंदा पानी पीना क्या होता है? तुम हमारी तकलीफ क्या समझोगे? ओके, लेकिन वसंत तो तकलीफ समझता है ना? वैसे वसंत और तुम कब और कहां मिले थे? ए, ए, लड़के, तुझे क्या लगता है मेरी जान बचा के तू मेरे मुझसे सब उगलवा लेगा? हाँ, तू एक रिपोर्टर है ना, तुम लोग तो एक बड़ी खबर के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो।
डीजी साहब से बात नहीं हो पा रही है, हमें रेस्क्यू टीम की जरूरत है। कॉलेज में तुझे उस गद्दार के साथ मैंने कई बार देखा और तुझे लड़कियों के कपड़े पहन के आंदोलन करते देखा। केले के छिलके से फिसलते देखा। हमारी संस्था वसंत को अच्छी खासी रकम देती। गद्दार धोखेबाज कहीं का। तो क्या तुम लोग इसी तरह स्टूडेंट्स को अपने काम में खींचते हो? स्टूडेंट्स ही नहीं, पुलिस स्टेशन हो या कोर्ट, हमारे आदमी हर जगह मौजूद हैं। और तो और, तेरे ऑफिस में भी हमारे लोग हैं। अरे रेनू, तुम अभी तक गई नहीं? मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं? नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। हमने वसंत को ऐसी ट्रेनिंग दी ताकि वो असेंबली में हमारे हक में बात करे और हमारे आदमियों को छुड़वा सके। और हाँ, इलेक्शन को लेके उसने काफी प्लानिंग की। तो वो झोपड़े में जो आग लगी थी, वसंत के सिर पर चोट लगी थी, सब हुआ हकीकत में हुआ और वो सब झेल गया। उस रैली में जो बॉम्ब लगाया गया था? लगाया मैंने था, पर आइडिया वसंत का था। उसके बाद ही तो उसे जनता की सहानुभूति मिली। लेकिन अगर मुझे SMS देर से मिलता या स्टेज पर पहुंचने में एक मिनट भी देर हो जाती, वसंत के स्टेज पर रहते हुए बॉम्ब फट जाता तो? ऐसे कैसे फट जाता? उसका रिमोट तो वसंत के हाथ में ही था। बॉम्ब? तुम मजाक कर रहे हो क्या? हमारे पास वक्त नहीं है, चलो। सरो को बॉम्ब के बारे में कैसे पता चला? उसने मुझे बताने के लिए मैसेज कैसे भेजा? सरो, वो तुम्हारी दोस्त। अगर आप वाकई बदलाव चाहते हैं तो अपने लोगों को चुनके असेंबली में भेजिए ताकि वो उनकी चोरी को पकड़ के आपके सामने ला सके और फिर आप उनके कान के नीचे बजाएंगे। मां कसम, मजा आएगा। जल्दी देखो, यहाँ देखो, वहां वहां पर बॉम्ब है। हमें कुछ करना होगा वसंत, सोच क्या रहे हो? हमें कुछ जल्दी करना होगा, लोगों की जान खतरे में है, जल्दी करो। सक्सेस एट एनी कॉस्ट, हमारा मिशन फेल नहीं होना चाहिए। राजनीति के नाम पर इन नेताओं ने हमारी कब्र खोद डाली है। जिस जमीन को हम मां कहते हैं उसको कारोबार बनाकर रखा है। इतना ही नहीं, हम इस मोबाइल से अश्विन को बॉम्ब की इन्फॉर्मेशन दे दो। हमें ईद का जवाब पत्थर से देना आता है। हमें लगा वो मर चुकी है पर वो जिंदा थी। भगदड़ में लोगों से टकरा के जमीन पर गिर गई थी। वो कुछ ना बके इसलिए मैंने उसका दम घोट दिया। इससे राज नहीं खुला। मोबाइल वापस उसके बैग में क्यों रखा? उस पर हम दोनों के फिंगरप्रिंट्स हैं। अगर वो फोन पुलिस के हाथ लग गया तो? फोन चुराने के लिए मैंने ही उस आदमी को भेजा था। तूने मेरा प्लान चौपट कर दिया। ड्राइवर सर के सिक्योरिटी कमांडोज का है। सीएम साहब यहाँ चुपके से आए, किसी को पता नहीं है। What is happening here? सर अब तक किसी बंदी को नहीं मारा गया। उन तमाम बंदियों के साथ एक प्रेस रिपोर्टर भी है सर। पूरी तरह से नक्सल ने कोई डिमांड रखी है क्या? नहीं सर, अभी तक किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं हुआ। मुझे अभी नक्सल से बात करनी है, किसी भी तरह उससे बात कराओ। वसंत के अलावा और कौन कौन तुम्हारे साथ मिला हुआ है? बाकी सब बेगुनाह है, बिल्कुल तेरी तरह। वसंत कोई साथीदार नहीं चाहता था, सच क्या है सिर्फ हम दोनों जानते हैं। मैं सीएम बोल रहा हूं, क्या चाहते हो तुम लोग? तू है आ गया, तू तो सबसे भी जहरीला निकला। तू पहले ऊपर आ।
ठीक है, मैं अंदर आ रहा हूँ, लेकिन पहले तुम्हें बंदियों को रिहा करना होगा। किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ड्रामा मत करो परा। This is your captain speaking. We'll approximately take Bangalore to Chennai in 3 मेरी फ्लाइट टेक ऑफ होने जा रही है, मैं बात नहीं कर सकता। वसंत के बारे में एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, या फ्रंट पेज पे छपने वाली न्यूज है सर। इज इट दैट इंपॉर्टेंट? स्टेट में खलबली मच जाएगी। फ्लाइट टेक ऑफ कर। जस्ट 1 मिनट। पॉलिटिक्स के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम न्यूज तैयार रखो, लैंड होते ही मैं सीधा ऑफिस आता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। बेगुनाह और मासूम लोगों की लाश पर पैर रख के वसंत ने सत्ता को हथियाया। छोटे छोटे बच्चे, चल, चल, चल। हमें जाने दीजिए सर। सर, अंदर खतरनाक नक्सलवादी है, आपको अंदर नहीं जाना चाहिए। इस वक्त मेरी जान बचाने से ज्यादा उनकी जान कीमती है। पर अंदर आपकी जान को खतरा है सर। स्टॉप, स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। ए, रुको, पीछे चलो, पीछे चलो। सुनो नहीं, पीछे चलो, चलो। देखो, ये मासूम लोगों की जिंदगी का सवाल है। प्लीज स्टे हियर, और जब तक मैं ना कहूं कोई गोली नहीं चलाएगा, प्लीज। हाँ चलो, अभी ठीक है, तुम लोग जाओ, जाओ आगे। आ जाओ। धोखा, हमारे साथ धोखा हुआ है। कोई बच के ना जाने पाए। बंदूक पीछे करो। स्टॉप फायर, स्टॉप फायर। बहुत हो गया, सब लोग पीछे हटो। सीएम साहब खतरे में सर। चल। नो। सारी खिड़कियां बंद कर दें। मुझे मरवाएगा? हट रे, तुझसे तो बाद में बात करूंगा। पहले मेरे जिगरी दोस्त से तो निपट लूं। सरों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? वो तो बेचारी मासूम थी, तूने उसे मारा। और क्या क्या बताया तूने इसको? क्यों किया सर? क्यों? छोड़ यार, जिसको मरना था वो मर गया, अब क्यों रो रहा है? क्या चाहिए? चैनल चाहिए? अपना न्यूज़पेपर खोलेगा? मैं सपोर्ट करूंगा तुझे, मिनिस्टर बनेगा क्या? अरे तू जो चाहे वो मैं तुझे बना सकता हूँ। सत्ता, पावर, अरे पूरा राज्य मेरे हाथ में है। तू वो हैवान है जिसने अपनी राजनीति की रोटियां 30 मासूम जिंदगियों पर सेकी। तू क्यों इतना इमोशनल हो रहा है? साजिश रचकर तूने उन्हें मारा और उनकी मौत पर आंसू बहाए। तूने तो इलेक्शन में खड़ा होने से इनकार कर दिया था। कितना जबरदस्त ड्रामा किया। यही तो राजनीति का पहला उसूल है। हाँ, मैं हूँ देशद्रोही। और तुझे क्या लगता है ये सारे के सारे मिनिस्टर जो हम देख रहे हैं वो ऐसे ही आ गए? हर कोई किसी को कुचल के आया है। अब ऐसे में मैंने दो चार को मार दिया तो क्या गलत किया? अब बुरे काम के बाद अच्छा काम भी तो करने वाला हूँ ना। बहुत बोल लिया। क्या यार, मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझ पे गोली चलाएगा फिर कैसे बचेगा? तू भी पागल हो गया क्या? चारों तरफ से पुलिस ने इस बिल्डिंग को घेर के रखा है, बच के कहां से निकलेगा? हलवा है क्या? जरूरत पड़ेगी ना, मेरी जरूरत पड़ेगी ना, एक काम कर, गोली मार दे मुझे, मार दे मुझे गोली, फिर जाकर सड़ना जेल में। नक्सलवादियों का लीडर बन गया लेकिन दिमाग घुटने में। जितना मैं कहता हूं उतना कर, एक बार यहां से बाहर निकल जाओ, उसके बाद अपनी लाइफ फुल ऑन एंजॉय कर। पर हां, इसे खत्म करना होगा वरना हम दोनों की लाइफ खत्म हो जाएगी। सोच क्या रहा है? उतार दे गोली भेजे में, ज्यादा वक्त नहीं है। दस मिनट है हमारे पास, उसके बाद सारे कमांडोज ऊपर आ जाएंगे। इस पर भरोसा कर सकता हूं पर अब तुझ पर नहीं। मैं नहीं मारूंगा। ये इसके साथ मिल चुका है, ये अपना कादिर नहीं है।
रुक जाओ, पीछे चलो। ए, तू गोलियां चलाएगा तो वो भी चलाएंगे, उसे बिना गोली चलाए मारना होगा। ए, नहीं रुक जा। मुझसे गद्दारी करेगा? क्या हो गया? हाँ, ये क्या हो गया? Yeah!
तूने मुझे मजबूर कर दिया है। तू, मैं तुझे मारना नहीं चाहता था, पर अब कोई चारा नहीं है। ए! चला गोली, ए! चला ना, शूट मी। क्या कर दिया तूने? पैर मत हटाना वरना मर जाएंगे। ए! अगर तू यहां से हिला तो मेरा पैर हट जाएगा। रुक जा, रुक जा, रुक जा अश्विन, मैं बॉम्ब स्क्वाड को बुलाता हूं। वेट, मरते दम तक साथ रहेंगे, दोस्त से किया वादा भूल गया? हमें साथ में मरने की क्या जरूरत है, हम साथ में जी सकते हैं यार। सारे मिनिस्टर तो कुर्सी पर बैठे देख रहे हैं, वो ऐसे ही बन गए। हर कोई किसी को कुचल के आया है, ऐसे में मैंने दो चार लोगों को मार दिया तो क्या गलत किया? बताना क्या हुआ? प्लीज, अरे तू कुछ बोल क्या रहे? तुम ऐसे नहीं बताओगे तो और टेंशन होगी। अश्विन, फुल स्टोरी रेडी, फ्रंट पेज तैयार है, मैं बस एडिटर का वेट कर रही हूँ। क्या ये खबर नहीं छपनी चाहिए? जैसा कहता हूँ वैसा करो, जो ऐसा ऐसे। अच्छा, कहीं तुम्हारे दोस्त तुम्हें खरीद तो नहीं लिया? एक हैवान का पर्दाफाश करने से क्यों रोक रहे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वसंत मर चुका है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ओह, अगर वो चला गया तो क्या उसका सच भी दफन हो जाएगा? आई वोंट डू इट। रेनू प्लीज, प्लीज रेनू मेरी बात सुनो, उसकी पूरी टीम बेगुनाह है, ये सारी की सारी प्लानिंग वसंत की थी, उसके प्लान के बारे में कोई और नहीं जानता था। अगर ये राज खुल गया तो सरकार गिर जाएगी, वो करोड़ों लोग जो बदलाव की उम्मीद लगाए हुए हैं उनकी उम्मीद बुरी तरह टूट जाएगी, वो सब टूट जाएंगे, फिर कभी कोई यंगस्टर अपने दम पर वोट नहीं मांग पाएगा, हम सबके सपने चूर चूर हो जाएंगे। प्लीज रेनू, ये खबर मत छापो, क्या हुआ ये तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं चाहता। प्लीज, राज्य के बेहतर कल की उम्मीद मत तोड़ो। इट्स रॉन्ग। मानो, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो ऐसा मत करो। नो वे, अब बताओ क्या थी वो ब्रेकिंग न्यूज? सर, नक्सलवादियों के साथ मुठभेड़ में वसंत मारा गया। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। हटिए, हमें जाने दीजिए। सर, सर, मिस्टर अश्विन, क्या आप बता सकते हैं ये कैसे हुआ? नक्सल्स के चंगुल से बंदियों को छुड़ाने के लिए हमारे सीएम ने जान की कुर्बानी दे दी। सीएम वसंत ने लोगों की जान बचाने के लिए खुद की जान दी। वसंत का ये बलिदान हम कभी नहीं भूल सकते। मुख्यमंत्री वसंत दीक्षित नक्सलियों से सुलह करने गए थे और तभी उनकी जान चली गई। पुलिस और नक्सलियों की गोलीबारी में सीएम वसंत शहीद हो गए। मैं कभी भी ऐसी जमाजी नहीं दिखा पाता,
इससे ये साफ हो जाता है कि इस देश की सत्ता पर सिर्फ युवाओं का राज होना चाहिए। वीर वसंत की आत्मा को शांति मिले। सॉरी क्रिश, आपकी दी आजादी का फायदा उठाया और प्रेस एथिक्स के खिलाफ गए। हम आपको रेजिग्नेशन सौंप रहे हैं। मैं पिछले 25 सालों से ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूं। लोग पेपर पढ़कर रद्दी वाले को बेच देते हैं, पर तुम्हारे एक झूठ से देश के इतिहास को नया मोड़ मिला। गो टू योर सीट्स। नए सीएम की ओथ सेरेमनी को तुम दोनों ही कवर करोगे। थैंक्स क्रिश। बस एक अफसोस की बात है, एक नक्सलवादी को मरकर शहीद का दर्जा मिला। मेरे काम को अधूरा छोड़ के तुम अंदर एडिटर के साथ गप्पे मार रहे थे। तुम्हें तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। रेजिग्नेशन दिया था, लिया नहीं। मैं होता तो जरूर एक्सेप्ट कर लेता। अगली बार तुम्हें दूंगा। अश्विन स्वामी ने तुम्हें ठीक 4 बजे महाकाल के मंदिर में महाआरती कवर करने बुलाया है। ओके ओके। ए, सरो ने क्या कहा था, कैक्टस में पानी नहीं डालते। ओ हीरो, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो तू वहीं था, एक भी फोटो नहीं खींचे तूने, पूरा नाम खराब करके रख दिया मेरा। अगले ब्लास्ट में पहले से ही कैमरा सेट करके फ्लैश ऑन करके बैठ जाऊंगा। छोड़ यार, लोगों को तो मुझे जवाब देना पड़ता है ना कि क्या सिखाया इस लड़के को। वैसे कौन से मंदिर जाना है मुझे? महाकाल के मंदिर में जाना है।